लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। साहब, अपनी मातृभूमि, अपनी समुद्री माता, अपनी मातृभाषा और भी बहुत कुछ सामान्य आदमी के न्याय के प्रतीक के रूप में हमारे कोर्ट ने यहाँ न्याय की दूध की मूर्ति एक महिला के रूप में रखी हुई है। आप खुद देख सकते हैं, यहाँ तक कि हम सबके भगवान शिव ने भी उनके अर्धनारीश्वर अवतार से साबित कर दिया कि पुरुष और महिला एक समान है। इसके अलावा हमारे पास कई कहानियाँ और कहावतें हैं जो हमारे बीच बहुत आम है, जो नारी के महत्व को बताता है। हमारी क्लाइंट कविता, जो खुद एक महिला है, वो महिला समाज द्वारा कलंकित है। सर, आप इस खाली अदालत में बहस क्यों कर रहे हैं? पूरा कोर्ट खाली पड़ा है। आप जरा बाजू में हट के बहस कीजिए, मुझे झाड़ू लगाना है। मैं इस अवसर पे नारीत्व को धन्यवाद देता हूँ। मैं काम करूँगा और सबको इम्प्रेस करना। क्या किसी ने ऐसा अन्याय देखा है? इन्होंने टाइपराइटर पे पेपर डाला है लेकिन पेपर पे लिख रहे हैं 3 महीने पहले बोला था गाड़ी पेंट करा लो, अभी तक नहीं कराई। क्या हुआ भाई, क्यों बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं सर, अपनी किस्मत को कोस रहा हूँ। अच्छा, मेरा असिस्टेंट माधवन कहाँ दिखाई नहीं दे रहा? आपने उस मामले में बहस करने को बोला ना, आप कल खुद सोए ना मुझे सोने दिया। वो गौरव और विधि फिल्मों से अदालत की दलील देख रहा था। वो सुबह सुबह उठकर कोर्ट चला गया और अभी तक लौट के नहीं आया। नमस्ते माँ जी। हाँ नमस्ते नमस्ते। उस लड़के ने मेरी बेटी की जिंदगी ये क्या के बर्बाद कर दी कि वो उससे शादी करेगा और अब कह रहा है कि उसने उसे कभी भी देखा ही नहीं है। मालिक, आप बेटी की मदद कर दीजिए ताकि वो खुश रह सके। मैं ध्यान रखूंगा कि ये केस हम ही जीते हैं, चिंता मत कीजिए।
जेब में क्या ढूंढ रहे हैं पैसे देने के लिए? मैं गरीब लोगों से पैसे बिल्कुल नहीं लेता, अमीरों को जमकर लूटता हूँ। दो इडली और सांभर लेके आइए, इतना ही बहुत है, जाइए। ठीक है। Yes, you may proceed. हाँ, ठीक है। अच्छी तरह से सोच समझ कर बोलना। All the best. Your Honor? Yes. My Lord. Come on, proceed. माननीय न्यायाधीश, मुझे संबोधित करना बंद करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ओ, मेरी क्लाइंट सविता। सविता कौन? बबीता, बबीता। बबीता नहीं, कविता, कविता। ओ, कविता, कविता। आर यू श्योर? यस योर ऑनर, आई एम श्योर, वेरी श्योर। सर, क्या मैं पहले से शुरू करूं? तभी मैं शुरू कर पाऊंगा। Come on, come on. जज साहब, come on, come on. My lord. Yes, yes, yes. माननीय न्यायाधीश, आप ये सब पहले भी बोल चुके हैं। सर, क्या थोड़ा सा पानी पी सकता हूँ? मैडम, पानी। हो गई छुट्टी। साइलेंस। पानी फैलाया। देखा, जज को छोड़कर सबके ऊपर फैलाया। अब चेहरा पोंछ लो। सॉरी सर। और कर भी कह सकते हो, बैठ जाओ। बैठने में भी इतनी टेंशन, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे मर गया। आई एम सॉरी। पानी, पानी। माय लॉर्ड, योर ऑनर, माननीय न्यायाधीश महोदय। अब आप भी? आई एम सॉरी, मेरा जूनियर थोड़ा टेंशन में, इसलिए बहस मैं कर रहा हूँ। यस, यू मे प्रोसीड। कविता, कविता, कविता। मिस्टर अशोक, मेरी क्लाइंट कविता को जानते हैं? नहीं सर। आप झूठ बोल रहे हैं। पिछले 3 साल से आप इससे प्यार कर रहे हैं। इस लड़की से। इसी चेहरे को आप महाबलीपुर लेकर गए थे? नहीं सर। वहाँ जाकर आप होटल में रुके थे? बिल्कुल नहीं सर। उस होटल के रूम में चेक इन किया था? नहीं। उसी होटल के रूम में आप इस खूबसूरत चेहरे को देखकर आप रोमांटिक होकर इसके पास गए थे? बिल्कुल नहीं सर। जब उसने अनुरोध किया कि आप शादी के बाद उसके करीब जाइए? बिल्कुल भी नहीं सर। उसके बाद आपने क्या किया था बताइए? आपने उससे वादा किया कि 1 महीने के अंदर आप उससे शादी करेंगे, उसके साथ सोए, उसका बलात्कार किया, उसके बाद आप अपनी बात से मुकर गए? नहीं नहीं नहीं, ये वो नहीं है जिसके साथ मेरा कोई संबंध था, वो कोई और लड़की थी। छे, मैंने इस मामले को ऐसे ही खत्म करने का सोचा था, लेकिन थोड़ा टेंशन में आ गया था। आप टेंशन में नहीं आए थे, कोर्ट टेंशन में आ गया था। आपने जिससे वादा किया था वो कविता यही है ना? हाँ सर, यही। योर ऑनर, ये लड़का इतनी आसानी से अपना गुनाह कबूल नहीं करता, इसीलिए मुझे उसके सामने इस लड़की को कविता बनाकर लाना पड़ा। आई एम सॉरी योर ऑनर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे परिवार की इज्जत बचा ली, मुझे समझ नहीं आ रहा आपका धन्यवाद कैसे करूं। रुकिए। फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर ही आइडियाज देते हैं और तारीफ डायरेक्टर की होती है, क्या अदालत में भी यही होता है? सर, अगर आपको धन्यवाद बोलना ही है ना, तो इनको नहीं, इनको धन्यवाद बोलिए। लड़कियां बदलने का आइडिया इनका था, अगर ये नहीं होते तो आप कभी केस नहीं जीत पाते। ये ही इसी तरह का अच्छा आइडिया दे सकते हैं। ये ना जज को देखते ही टेंशन में आ जाते हैं, पर समझिए यही इनके चरित्र की विशेषता है। चलता हूँ सर। इस तरह का विचित्र मानव आज तक मैंने इस कोर्ट के परिसर में कभी नहीं देखा। तुमने सेटिंग करके इसको बुलाया था क्या? नहीं नहीं, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है सर। वो अचानक से शैतान की तरह आया, कुछ बोला, कहा और चला गया। सर छोड़िए ना, मैं बहुत टायर्ड हो गया हूँ। ड्राइवर से बोलिए ना मुझे घर छोड़ दे। कोर्ट में बहस करके तुम बहुत टायर्ड हो गए हो, कोई बात नहीं, ड्राइवर इनको घर पर छोड़ दो। जी सर। माँ, भैया आ गए।
माधव, आज तो तुम केस जीत कर आए हो ना, चलो मैं तुम्हारी नजर उतारती हूँ। माँ रुको रुको, भैया इस कद्दू से हम नजर उतारे या फिर इसका सांबर बनाए? तुम सांबर ही बना दो, कद्दू खरीद के पैसे बर्बाद करने से अच्छा है भगवान को चढ़ा दो, कुछ पुण्य मिलेगा। मेरा काम हो गया ना, चल जा अभी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक कोर्ट के अनाउंसर के रूप में बिताई है। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि मेरा बेटा एक बड़ा वकील बने, लेकिन वो बेकार लॉयर का असिस्टेंट बन गया। ना तो वो खुद कमाता है और ना ही मेरे बेटे को कमाने देता है। वो अच्छे इंसान है इसलिए मुझे रखा, नहीं तो कोई असिस्टेंट भी नहीं रख रहा था। वो कैसे रखेंगे आपको, आप तो जज को देख कर ही टेंशन में आ जाते हैं। ज्यादा मत बोलो, रखो और जाओ। भाई आपको मैंने पेन लाने को कहा था ना? आई एम सॉरी भाई, कल पक्का ला दूंगा। ये अपने भाई के लिए पेन लाना भूल गया, कैसे अपने दोनों बहनों की शादी करवाएगा ये? इसे पकड़ो। देखिए पिताजी, इनकी शादी नहीं हो रही इसके लिए मुझे जिम्मेदार मत ठहराइए। अभी पिछले हफ्ते ही इसके लिए मैं रिश्ता लेके आया था, लड़का टीचर था, लेकिन इसने देखते ही शादी के लिए मना कर दिया। अगर मैं अपनी शादी के लिए मना कर रहा हूँ ना, तो वो इसलिए कि इनकी शादी को हंसते हुए देख सकूं। लेकिन ये अगर हर रिश्ते को ऐसे ही ना बोलती रहेंगी तो एक दिन मैं किसी लड़की से शादी करके घर ले आऊंगा। हम दिया जला रहे हैं ताकि हमारी जल्दी शादी हो जाए, ये जनाब दो दिए जला रहे हैं, लगता है शादी की बड़ी जल्दी है। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरी दोनों बहनों को अच्छे रिश्ते मिल जाएं। माफ कर दीजिए, कर देना, चल जाए। हे भगवान, मेरी भी शादी जल्दी से करवा दो, बस अपनी इतनी सी कृपा कर दो, कहीं तो होगी मेरी हीरोइन।
हेलो, हाँ क्या तुमने उसे मिलने बुलाया है? अभिरामी, तुम जाओ, मैं आती हूँ। यस मैडम, तुमसे मिलने लॉयर आए हुए हैं। हेलो सर। सॉरी, आपको इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम जॉब करती हो, तुम्हें एक दिन की ही छुट्टी मिलती है, मुझे पता है। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। ऐसा मत कहिए सर, हॉस्टल में मेरे फ्रेंड्स को कोई ना कोई मिलने आता है, माँ बाप भाई बहन, एक मुझसे ही कोई मिलने नहीं आता। अगर आप भी मिलने नहीं आएंगे तो मैं सच कह रही हूँ कि मुझे अनाथ जैसा महसूस होगा। अगर मैं तुमसे एक बार मिलने नहीं आऊँ तो मुझे भी तो अनाथ जैसी फीलिंग होती है। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी बात सुनो, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ? तुम्हारे माँ बाप एक्सीडेंट में चल बसे, उन्होंने तुम्हारी प्रॉपर्टी का ख्याल रखने के लिए कोर्ट में मुझे एक रिसीवर के तौर पर रखा, लेकिन मैं एक रिसीवर के तौर पर नहीं, तुम्हारे गार्डियन के तौर पर आता हूँ। कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार तुम्हारे माँ बाप के सारे पैसे मैंने बैंक में डिपॉजिट करवा दिए हैं। वो पैसे तुम्हें तभी मिलेंगे जब तुम्हारी शादी होगी। ओके, ये रिन्यूअल फॉर्म है, साइन कर दो। एक बार पढ़कर साइन करो बेटी। आपने कहा कि आप मेरे गार्जियन हैं, लेकिन मैं आपको अपना पिता मानती हूँ। एक बेटी पिता पर कैसे शक कर सकती है? प्रिंसेस, मैंने आपको बचा लिया। हेलो हेलो, मैंने पेड़ उठा लिया है, ये सिर्फ केले का तना है। तुम तो ऐसे कर रहे जैसे कोई बहुत बड़ा पेड़ गिर गया है। मुझे सब पता है, तुम काले जामुन की तरह देखने वाले मुझे मत समझाओ, निकलो यहाँ से। थोड़ी देर और नहीं आता तो कितना अच्छा होता। आपने तो मुझे ऐसे बचाया जैसे एक हीरो हीरोइन को बचाता है। थैंक्स, मुझे भी अपना हीरो ही समझ लीजिए। लेकिन आप हैं कौन? मैं रॉयल फैमिली से हूँ, एक केस के सिलसिले में एडवोकेट माधवन से मिलने आया हूँ। एडवोकेट माधवन से मिलना है? वो मेरे भैया है, आइए ना अंदर आइए। भाई है, मेरे दिल की राजकुमारी एडवोकेट के घर में रहती है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। पापा पापा, केस के सिलसिले में भैया से कोई मिलने आया है। क्या सच का? माधवन से मिलने कोई केस के सिलसिले में आया है? अरे रे रे, ये तो ड्रामा कंपनी का एक्टर लग रहा है। अरे भाई, तुम नीचे क्या ढूंढ रहे हो? ढूंढ नहीं रहा हूँ, पीठ में चोट लगी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? बस मुझे नीचे बैठने के लिए कह दीजिए। बैठ जाओ। थैंक्स। अरे नीचे मत बैठो, पीछे है चेयर। पहुँच गया, पीछे पहुँच गया, राइट जाओ ना। हाँ बैठ जाओ। पहुँच गया, पहुँच गया, पहुँच गया, बैठ गया। ये तो केस के सिलसिले में आया है। क्यों भाई, तुम्हारा नाम क्या है? राज परिवार से हूँ, राजाधिराज, राजा कुंतुभुंगा, राजा पांड्या, राजा काम्बिरा। अरे ये वो फिल्म है जिसमें मंसूर अली खान ने एक्टिंग की है, आपने भी की है? नहीं, अभी तक मैंने आपसे अपने दादाजी का नाम नहीं बताया। तो फिर तुम्हारा नाम क्या है? श्रीमान चरण सेन गुंतुआ टुंडे मंडना। बस कर, मेरा सर दुख रहा है, रुक जा, मैं अपने बेटे को बुलाता हूँ। माधवा माधवा माधवा। कोर्ट में मुनादी करते थे। आप रॉयल फैमिली से हो, इसीलिए आपने सही पहचाना। पिताजी, आपने मुझे बुलाया क्या? हेलो हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते, बैठ जाइए। पहुंच गया पहुंच गया पहुंच गया पहुंच गया। ये तुमसे मिलने आए हैं? ओहो, बात क्या है, आपका नाम क्या है? श्रीमान चेहरा। नहीं नहीं नहीं, इनसे नाम मत पूछो, इनका नाम बहुत बड़ा है। आप मुझे मणिमारम कह सकते हैं। ओके मिस्टर मणिमारम, क्या प्रॉब्लम है? उन दोनों मेरे दादाजी घोड़े पे बैठ के लोगों से मिलने जाते थे, जिस जगह वो आराम करने बैठते थे वहाँ पर एक लड़की से शादी कर लेते। इसका फल ये हुआ कि उनके 35 बच्चे हुए, सब बड़े हो गए और कोर्ट में मेरे खिलाफ केस कर दिया है। नतीजा ये हुआ कि कोर्ट ने हमारी हवेली को पूरी तरह से सील कर दिया है, लेकिन मैं उसका कानूनी वारिस हूँ। अब आपको मेरा केस लड़ना होगा, किसी भी तरह से मेरी हवेली को वापस दिलवा दीजिए, ये दरख्वास्त है। तो ठीक है, समझिए कि आप केस जीत गए। मैं बहुत खुश हूँ। वैसे आप कमाने के लिए क्या करते हैं? कहने में शर्म आ रही है, हम अपना आत्मसम्मान बेचते हैं। दादाजी जो कपड़े पहनते थे उन्हें हम ड्रामा वालों को किराए पर देते हैं। ये टीवी सीरियल के प्रोड्यूसर को दिखाने के लिए है, मॉडल नहीं है इसलिए खुद ही पहनना पड़ता है। बाहर जो तांगा खड़ा हुआ है वो बड़े लोगों की शादी में किराए पर देते हैं, जब कोई शादी नहीं होती तो फिल्म वाले किराए पर ले लेते हैं। मैं जानता हूँ कि क्लाइंट की योग्यता होगी, पर तुम मेरे बेटे की फीस कैसे भरोगे? आप चिंता मत कीजिए, अपनी हवेली वापस मिलते ही उसका दरवाजा बेच के फीस चुका दूंगा। कॉफी लीजिए। <laughs>
इसमें से पहला सिप आप लीजिए ना। ये देखो, ये है रॉयल फैमिली की महानता, इनके संस्कार इनके व्यवहार में झलक रहे हैं। देखिए, ये राज संस्कार है। जब भी हम कुछ खाते पीते हैं तो पहले अपने नौकरों को खाने के लिए देते हैं, कहीं उसमें जहर वहर तो नहीं है। अगर नौकर जिंदा बच गया तो हम उसे खा लेते हैं। आपने इसे कॉफी देने के लिए कहा था? काफी अच्छी है, पर हम ज्यादा नहीं पीते। अच्छा, आप मुझे आज्ञा दीजिए, चलता हूँ। केले की पेड़ ने कमर तोड़ दी, अच्छा है ज्यादा बड़ा नहीं था। ये तो ऐसा लग रहा है लैला अपने मजनू को बुला रही है। आपका कमर दर्द कब तक ठीक होगा? दादी मालिश करेगी तो ठीक हो जाएगा। दादी की क्या जरूरत है, मैं कर देती हूँ ना। अब ठीक लग रहा है तो मैं जाऊँ। सुनिए, आपको पता है मुझे आपने क्या अच्छा लगा? आपकी ये मूंछें। आपको पसंद आई? चाहिए क्या? ये लो। आप चौंक क्यों गई? ये भी किराए का आइटम है। राज परिवार की हर चीज आजकल किराए पर चल रही है। ये लो। मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, शुक्रिया आपका मेरे प्रभु। माँ से बड़ा कोई मंदिर नहीं, पिता जो कहते हैं उससे बेहतर कोई श्लोक नहीं। सुनती हो, हमारा बेटा भगवान विनायक से भी बेहतर है, जो ज्ञान पाने के लिए माता पिता की परिक्रमा कर रहा है। मुझे चाहे जितने भी जन्म मिले, मैं आप ही का बेटा बनना चाहता हूँ। माँ, माँ, आप साक्षात महालक्ष्मी की तरह दिखती हो। आप ऑटो के भीतर आ जाइए और मुझे जाते हुए देखिए। आपका हंसता हुआ चेहरा देख के मेरी और कमाई हो जाएगी। बेटा, मुस्कुराते हुए जाओ और अच्छी कमाई करके लाओ। मैं जा रहा हूँ माँ। माँ के बिना मैं कुछ नहीं, माँ के बिना ये जीवन सूना है। ये है लड़के की तस्वीर, नाम है कमलेश। इसका दिल बिल्कुल बच्चों की तरह है। माता पिता का इकलौता बेटा है ये। शाम 6 बजे के बाद घर से बाहर घूमने भी नहीं जाता, किसी भी तरह का नशा भी नहीं करता है। सुबह उठते ही काम पे जाने से पहले वो अपने माता पिता का आशीर्वाद लेता है, फिर जाता है। अच्छा है, पर काम क्या करता है? उसके पास खर्च करने के लिए बहुत पैसे हैं, पर वो अपने आत्म सम्मान के लिए इस वक्त ऑटो चला रहा है। क्यों माँ, लड़का ऑटो ड्राइवर है, आपको चलेगा ना? अगर ये अमीर है तो क्या फर्क पड़ता है, बस चलाए ऑटो चलाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये दिखने में बहुत ही साधारण सा है। तुम्हारी बेटी कौन सी सुंदर परी है? मेरी बेटी बहुत गोरी है। ये तस्वीर में इतना काला दिख रहा है तो असल में कितना काला होगा? अगर तुम दोनों माँ बेटी ऐसे ही कमियाँ निकालते रहे तो हमारी दोनों बेटियाँ बूढ़ी हो जाएंगी। बेटी माला, तुम्हें लड़का पसंद है क्या? क्या आपने सुना पिताजी? देखा तुमने, तुम्हारी बेटी ने इशारे में कह दिया गाना सुनकर जैसे तुम करती हो। पिताजी, मुझे लगता है माला ने शादी के लिए हाँ कर दी है। ब्रोकर क्या कहता है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम फैसला तभी करेंगे जब हम लड़के से खुद मिलेंगे। हाँ। सुनिए ना, आप ऑटो को भगवान की तरह क्यों पूज रहे हैं? लोग ऐसा कहते हैं कि काम ही पूजा है। ये ऑटो मेरे लिए भगवान है, इसलिए मैं पूजा कर रहा हूँ। ओहो, तो तुम रोज इसकी सफाई करते हो? इसे सफाई मत कहिए, क्षमा मांगिए। मैं इसका अभिषेक रोज करता हूँ। कोई पूछे तो मेरा एक ही जवाब रहता है, ये ऑटो मेरे लिए देवी मीनाक्षी की तरह है। माधवन, पिताजी। सर, आप ठीक हैं? तो हम चलें? हाँ। आइए, 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 आइए। अरे ये ऐसे झुककर क्यों चल रहे हैं? सम्मान दे, चल, चल, बैठिए। सर, वो मेरी सीट है, आप पीछे बैठिए। चलिए। हे देवी मीनाक्षी, मेरी सदैव रक्षा करना। आपने हमसे पूछा नहीं कि हम कहाँ जाएंगे?
मैं कैसे पूछ सकता हूँ? क्या आप किसी शुभ काम के लिए जा रहे होंगे? शादी या फिर सगाई के लिए? आप किसी रिश्ते के लिए जा रहे हो? अगर मैं आपको ये पूछूं कि आप कहाँ जा रहे हो तो वो अशुभ होगा। इसीलिए मैं किसी को नहीं पूछता कि कहाँ जा रहे हैं। अगर आप खुद से मुझे बताएंगे कि आपको कहाँ जाना है तो देवी मीनाक्षी आपको खुद वहाँ छोड़ के आएगी। मेरी मम्मी का नाम मीनाक्षी है। मेरे बेटे का नाम माधव। बहुत ही अच्छा नाम है। तो हम चले। बहन जी, सर थोड़ा नीचे आइए, अब बाहर आइए। आइए आइए आइए। आपने हमें बीच में क्यों उतार दिया? सर, बहुत से रिक्शा पर लिखा होता है कि प्रेग्नेंट लेडी के लिए ऑटो फ्री है, लेकिन मैंने अपने ऑटो पे नहीं, अपने दिल पे लिखा है। दिल पे जब एक प्रेग्नेंट लेडी खड़ी हो, कड़कती हुई धूप में बस का इंतजार कर रही हो, तो मैं उसे देख कर नजरअंदाज कर दूँ तो लोग थूकेंगे मुझ पर। पोंगल खाया है? इनको गैस हो गई। क्या आप एक काम करेंगे? हाँ। आप यहाँ से सीधा जाके, आपको लेफ्ट लेना है, फिर राइट लेना है, फिर लेफ्ट लेना है, फिर सीधा जाना है और आप पहुँच जाएंगे। 3.5 किलोमीटर है। क्या आप जाएंगे? बहन, आपको कहाँ जाना है? सरकारी अस्पताल। क्या ये आपकी माताजी हैं? मैं आपको छोड़ता हूँ, चलिए। मेरे पास पैसे नहीं। पैसों को मारो गोली, आप चलिए। प्लीज सर, हटिए ना, हटिए प्लीज। आइए बहन जी, आइए, आराम से बैठिए। तो मैं चलूं? आप बहुत अच्छे इंसान है, ये लीजिए 20 रुपए। लीटर में तो 18 बता रहा है। कोई बात नहीं पिताजी, 2 रुपए टिप दे रहा हूँ। सॉरी सर, मैं किसी भी तरह की टिप नहीं लेता। आप जैसे लोग जो ड्राइवर को टिप देते हैं, तो हमारे जैसे ड्राइवर का नाम खराब होता है। ये रहे आपके 2 रुपए। मेरी लाइफ के कुछ रूल्स हैं, आप नहीं समझोगे। मैंने खुद के दायरे बनाए हैं। मैं चलता हूँ। मुझे बुलाया? मैंने बेटे को बुलाया। मीनाक्षी, मेरी ऑटो को बोल रहा हूँ। मैं चलता हूँ। बेटा, बेटा जी, इमोशंस को कंट्रोल में कीजिए। अगर ये मेरा दामाद बनेगा तो आपका कहना है कि ये सही होगा। मैं भी वही कहने वाला था। मैंने पहले से ही सोच लिया। अब उधर उधर। आपको पता नहीं है शाम को 6 बजे के बाद ये कैसा बर्ताव करेगा। आपका पूरा परिवार इसके जाल में फंस चुका है। यहाँ ऑटो क्यों रोक दिया? टाइम क्या हुआ है? 6 बजे के बाद मेरा ऑटो नहीं चलता। गोविंद स्वामी। दरवाजा खोलिए ना, क्या कर रहे हैं आप? दरवाजा खोलो, जल्दी करिए। मैंने कहा दरवाजा खोलो। ए गोविंद स्वामी, हैं? अरे रे, ए बुढ़िया औरत। हाँ? वो बुढ़ा आदमी किधर है? कौन? तेरा पति कहाँ है? वो इनको बहुत ज्यादा बुखार है, इसीलिए सो रहे हैं। सो रहे हैं? हाँ। ये 7 बजे कैसे सो रहा है? अरे बेटा, ऐसा मत करो, ये तुम्हारे पिताजी हैं। पिताजी है? हाँ। ये बुड्ढा? तुम मुझे रात को उठाते थे तंबाकू बनाने के लिए, और मैं नहीं उठता था तो मुझे बहुत मारते थे ना। और तुम अभी 7 बजे सोना चाहते हो, पागल कहीं के? चल जल्दी उठ यहाँ से। ये बहुत कमजोर है बेटा, इन्हें कुछ हो जाएगा। क्या कर रहे हो तुम? अपनी माँ को विधवा देखना चाहते हो? अपना चेहरा देखो। ये चेहरा देख के ऐसा लगता है क्या कि इसे देख के मुझे लक्ष्मी प्राप्त होगी? सुबह ही तो तुम कह रहे थे मैं देवी महालक्ष्मी की तरह देखती हूँ। वो अच्छे इंसान के शब्द थे, और ये पियकड़ के शब्द हैं। तुम्हें याद है कि जब मैं छोटा था तो तुमने मुझे कितना परेशान किया था? परेशान किया? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है बेटा, क्या बोल? अच्छा, याद नहीं आ रहा है? तुम भूल सकती हो, लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकता, पापी औरत। मैंने बहुत सी माँ को देखा है जो अपने बेटे को स्कूल न जाने के लिए मारती है, लेकिन तुम ऐसी माँ थी। बच्चा स्कूल में नहीं जाए इसलिए मारती थी और उसे काम पे जाने के लिए कहती थी। अरे मैं कैसे भूल सकता हूँ? ऐसा लगता है मारा नहीं फिर भी चिल्ला रही हो। अरे बुड्ढे, क्या पोज दे रहा है? खुद को शोले का ठाकुर समझता है क्या? तुमने पी रखी है क्या? नहीं बेटे। तो तुम ऐसे क्यों चल रहे हो? तुम्हें लगता है तुम बच जाओगे? ये पोजीशन मारने के लिए सही है। खुद को होशियार समझ रहे हो? अब देखो, मैं तुम दोनों को ऐसा पंच मारूंगा कि दोपहर का लंच भूल जाओ। बेटा नहीं, बेटा नहीं। सारे बच्चे बहुत अच्छे रहते जब वो इस दुनिया में जन्म लेते हैं, लेकिन वो अच्छे बने या बुरे बने उनकी माँ के ऊपर निर्भर है। नहीं नहीं नहीं,
नहीं बेटा, बेटा छोड़ दो। ए मेरे कबूतर, तुम्हें एड्रेस याद है ना? नंबर 10 अरुणाचलम रोड सालीग्राम। खस सही जगह पे पहुंचा दोगे? ठीक है, राजकुमारी के हाथ में देना, किसी और के हाथ में ना लगे। संभल के जाना, नहीं तो तुम्हें मार्केट डिनर में खा लेंगे। वहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ आओ। दादाजी ये क्या? उस कबूतर को कहाँ भेजा वो तुमने? मेरा पर्सनल मैटर है। तुमने राजा के कपड़े क्यों नहीं पहने? वो मैं फिर से नहीं पहनूंगा। क्यों? क्योंकि जब पहन के निकलता हूँ तो रास्ते वाले कुत्ते भोंकते हैं मुझ पर। ये इसलिए पहनी है क्योंकि ये पहन के कल रघुवरन एक्टिंग करेगा, उसके बाद नॉर्मल कपड़े पहनूंगा। मनीमारम, दादी जी, पुराने जमाने की तरह तुमने कबूतर के द्वारा किसी को खत भेजा है? मेरी गर्लफ्रेंड को भेजा है, जो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। गर्लफ्रेंड मुझे मंजूर नहीं है। हमारा खून रॉयल परिवार का है, साधारण खून हमारे परिवार में मिक्स नहीं हो सकता। दादी जी का रॉयल खून है क्या? क्या मैं आपको वो पुरानी कहानी याद दिलाऊं? एक मामूली लड़की कैसे इस घर की रानी बनी थी? गोबर थोपने वाली का प्रमोशन करके राजमहल की रानी बना दिया, लेकिन आज तक इनकी आदतें बिल्कुल वैसी की वैसी हैं, गोबर बनाती हैं, क्योंकि आदत अभी तक छूटी नहीं है। है हमारे रॉयल फैमिली के बारे में कुछ मत बोलना। बात तो ऐसी कर रहे हैं जैसे बकिंगहम पैलेस के सदस्य हैं। मनीमारम, दादी कौन है वो लड़की जिसने तुम्हारा दिल चुरा लिया? बताओ, मैं तुम्हें मिला। हाथ हटाओ यहाँ से। दादी जी, जब मैं अपने हवेली का केस डिस्कशन करने के लिए एडवोकेट माधवन से मिलने गया था, तब मैंने उसको देखा। उसके साथ शादी कर लूंगा तो हमारे परिवार का बहुत फायदा होगा। कैसे बेटा? कोई अपने बहनोई से केस की फीस थोड़ी लेगा। तुम कितने होशियार हो। ए नीला, क्या ये लव लेटर है? इधर लेके आओ। आओ। मेरी प्यारी परी, मैं तुम्हारे यहाँ केस फाइल करने आया था। भगवान, लेकिन मैं तुम में खो गया। अच्छा अच्छा, मैं कोर्ट में अनाउंसर की तरह तुम्हारा नाम पुकारता रहता। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी खुद से तुलना करने की? मेरा खत्म नहीं हुआ है। मैं तुम्हारे प्यार की जेल से कब रिहा हो पाऊंगा? मेरा केस तुम्हारी कोर्ट में है। अगर वो कह रहा है कि केस इसके कोर्ट में, तो तुम्हारे पास कोई केस नहीं है। आगे पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो। मुझे ऐसे लटका के मत रखो, जो भी फाइनल डिसीजन है बताओ। ये कोर्ट के बारे में तुमसे ज्यादा बेहतर जानता है। माँ कुछ कह रही है? वो लड़का तो हैंडसम और स्मार्ट दिख रहा था, तो हम इसकी शादी उससे क्यों नहीं कराते? मैं सोच रहा था कि तुम दोनों की शादी एक ही मंडप पे करवा देता हूँ, ताकि खर्चा बच जाए। बिना मेहनत के लड़का भी मिल गया। माधवा, लड़के से मिलो, सगाई की तारीख जल्दी फिक्स कर दो। नीला, क्या हम वही तरीका अपनाए जो तुम्हारे मंगेतर ने अपनाया है? थैंक यू भैया। आप लोग ये देख के हैरान होंगे कि मैं आप लोगों को शहर से 40 किलोमीटर दूर लेकर के आ गया सगाई कराने। मैं आपको लेकर आया हूँ तो आपको छोड़ भी दूंगा, क्योंकि मैं ही आपको यहाँ लेकर के आया हूँ। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप हमसे ज्यादा दहेज की मांग बिल्कुल ना करें। इतना ही नहीं, हमारे रिश्तेदार अगर आते तो पेट भर के खाना तो खाते, लेकिन हमारी खाने की खामियां भी निकालते, इसलिए नहीं लेकर आए। तो खामियां निकालने में कौन सी बुराई है? और कहां खामियां निकालते हैं वो लोग? पूछ रहे हैं तो बताता हूँ। लोग कहते हैं कि इनकी छोटी बेटी नीला की शादी एक रॉयल फैमिली में होने वाली है। आप सही बोल रहे हो। लेकिन बड़ी बेटी माला इतनी सुंदर है, छे इसके बाद भी उसकी शादी एक ड्राइवर से हो रही है। अरे क्या हुआ, तुम्हारी लड़ाई ऐसी लग रही है जैसे दहेज से भी बहुत बड़ी है। हमें ये दिखाने के लिए यहाँ लाई हो? अरे नहीं, वो अलग तरीके से सगाई कर रहे हैं, देख कर कितना मजा आ रहा है। पूरी फैमिली जोकर लग रही है, इसमें क्या मजा आ रहा है? माँ बाप भाई बहन, कितना बड़ा परिवार है ना। मेरे जैसी अनाथ ही इसका महत्व समझ सकती है। मैं तो बस इंतजार कर रही हूँ कि मेरे लिए भी ऐसे रिश्ते हो। மாப்பிள்ள போட்ட ஸ்கூட்டர் ஒண்ணு, மாவு ஆட்ட கிரைண்டர் ஒண்ணு, சட்னி அரைக்க மிக்ஸி ஒண்ணு, முட்டை வைக்க பிரிட்ஜ் ஒண்ணு, வாஷிங் மிஷின், கலர் டிவி, டைனிங் டேபிள், டபுள் காட், நூறு பவுன் நகைய நட்டும், 3 லட்சம் டவரி மட்டும். இதும் லிஸ்ட் பெஸ்ட். கையாளம் பூங்காவில் பச்ச
பச்சை வண்ண புல் மீது நடக்குதையா புதுசாக நிச்சயதார்த்தம் இப்போது. செம்மரம் பூமி சாட்சிய வச்சு தாம்புல இப்போ மாத்திக்குவோம். சம்பந்திக்குள்ள சீரு செனத்தை சண்டை வராம பார்த்துக்குவோம். முன்னாடி வச்ச என்னோட கால பின்னாடி வைக்க மாட்டேங்க. வக்கீல் படிப்பு படிச்சாம் புள்ள வாய்தா மட்டும் கேட்பாங்க. मदुरई के रास्ते से निकल रही है. यात्रीगण कृपया ध्यान दें, एक महत्वपूर्ण सूचना है. मिस्टर माधवन से विनती है कि वो जहाँ कहीं भी हो बस डिपो के ऑफिस पहुँचे. मैं फिर से दोहराती हूँ, मिस्टर माधवन आप जहाँ कहीं भी हैं, जल्दी से बस डिपो के ऑफिस पहुँचिए. एक्सक्यूज मी मैडम, आपने माइक से माधवन के नाम का अनाउंसमेंट किया. मैं ही माधवन हूँ. सर आप माधवन हैं? क्यों, आप मुझे जानती हैं क्या?
आपने अपनी बहन की सगाई MGM में की थी ना? हाँ। मैं भी वहीं पर थी। ओ, आपने मुझे उसलिए बुलाया? अच्छा सर, आप अपनी पत्नी को कैसे खो सकते हैं? बेचारी वो गूंगी, आपको ध्यान रखना चाहिए ना। पत्नी? अरे रे रे, गलतफहमी हुई, मेरी तो शादी नहीं हुई। आपकी शादी नहीं हुई है? तो ये आपके ये मेरे पापा नहीं है। आपने तो मुझे मुश्किल में डाल दिया। अरे अल्पना, तुम यहाँ पर हो? मैडम जी, मेरा नाम माधवन है। अरे चलो, अब चलो भी। हाँ, जाइए, आराम से जाइए। बेचारी। मुझे माफ कर दीजिएगा। अगर आपने मेरा नाम अनाउंसमेंट नहीं किया होता तो हमारी मुलाकात कैसे होती? एक मिनट सर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रूट नंबर 446 तिरुचि जाने वाली बस कुछ ही समय में निकल रही है। अच्छा, आपने शादी की तारीख कब की फिक्स की? नेक्स्ट 14th को। मुझे शादी में नहीं बुलाएंगे क्या? आप तो हम एक दूसरे को जानने लगे हैं ना, मैं आपको कैसे नहीं बुलाऊंगा। आपकी आवाज बहुत ही मीठी है। अगर आप फिल्मों में गाना शुरू कर दें तो सारे सिंगर्स की छुट्टी हो जाएगी। सर, ज्यादा तारीफ मत करो। अरे मैडम, आपने माइक ऑफ नहीं किया क्या? क्या सर, आप नहीं चाहते कि लड़की गवर्नमेंट जॉब करे? अभिरामी, माइक ऑन है और तुम पर्सनल बातें कर रही हो, अपने काम पे ध्यान दो। सॉरी सर। ये क्या आपके यहाँ का बुलडॉग है? आप प्लीज यहाँ से जाइए सर। ठीक है माइक मैडम, मैं चलता हूँ। माइक मैडम। बड़ा मलाई दो, बादाम मलाई दो, गोदामी चेन दो, कदला चेन दो। बेटा, ये सब तो खाने वाली चीजों के नाम है। मेरे पूरे परिवार ने डिस्कस करके आखिर में ये लिस्ट तैयार की। ओ, लगता है पूरा परिवार खाने का शौकीन है। ये देख के आपको अंदाजा नहीं लगा। हेलो मिस्टर माधवन, कैसे हैं आप? हेलो माइक मैडम, कैसी हैं आप? हम बार बार ऐसे क्यों टकरा रहे हैं? बहन की शादी के लिए गहने खरीदने आए हैं। हाँ जी। उन्हें साथ में लाना चाहिए था ना पसंद करने के लिए। अरे रे, अगर मैं उनको साथ ले आता तो वो मुझे पूरा दुकान खरीदने को कहती। वैसे भी ये लिस्ट देख के दिमाग चकरा गया है। क्या मैं इसमें आपकी मदद करूं? अरे हाँ हाँ, प्लीज प्लीज, मुझे बहुत खुशी होगी। प्लीज प्लीज। ये कैसा है? ये अभी अच्छा दिख रहा है, आपके ऊपर अच्छा दिख रहा है, पर पता नहीं मेरी बहनों के ऊपर कैसा दिखेगा। देखने वाले पर डिपेंड करता है। ये कैसा है? सर? हेलो? यस। ये बहुत सुंदर। हाँ यस यस यस, ये बहुत अच्छा है। ये कैसा है? मुझे दीजिए, मैं रखती हूँ। आपने मेरी आज बहुत मदद की, आपको मेरे साथ कॉफी पीनी ही पड़ेगी। मैं कुछ भी सुनने वाला नहीं हूँ, आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। थैंक यू। ये होटल बहुत फेमस है, तंजूर डिग्री कॉफी, चलो वहाँ पीते हैं। Hey, इन्होंने हमारे कास्ट के लीडर को कैद कर लिया है, हम इन्हें अपनी पावर दिखाकर ही छोड़ेंगे। चलो रे, हमारे लीडर नहीं छूट जाते, बंद करो, कुछ भी नहीं छोड़ना, पूरा मार्केट बंद करवा दो। ये लोग, वो दुकान खुली रहनी चाहिए जब तक हमारे लीडर नहीं छूट जाते। बंद करो, बोलो ना। अरे देख के, हे, आपने देखा क्या कि वो किधर गए? नहीं नहीं, अरे आपने देखा क्या? नहीं देखा। मैंने अपने गहने खो दिए, घर वालों को क्या जवाब दूंगा मैं?
उसके बारे में अब ज्यादा सोचने से क्या हो सकता है। अब ये सोचो कि क्या करना चाहिए। क्या कहती हो? क्या कर सकते हैं सर, मैं अपनी कमाई से तो बहनों के लिए गहने नहीं खरीद पाया। अब अगर पिताजी पूछेंगे गहने मैंने कैसे खो दिए तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा सर। और सिर्फ यही नहीं सर, अगर ये शादी नहीं हुई ना तो मेरी बहनें खुदकुशी कर लेंगी। 5-10 हजार की बात होती तो हम किसी से ले लेते, 1.5 लाख रुपयों का इंतजाम हम कहां से कर सकते हैं। गहने खोने में मैं भी जिम्मेदार हूँ, तो बैंक में मेरे जितने भी जमा पैसे हैं वो मैं इन्हें दे दूंगी। ये तुम कैसी बात कर रही हो, जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी तुम पैसे नहीं निकाल सकती। तुम्हारे माँ बाप ने ऐसी वसीयत करके कोर्ट में रजिस्टर करवाया है, वो पैसे बैंक से निकालने के लिए तुम्हें शादी करनी होगी। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, तुम चाहो तो अभी शादी कर सकती हो। सर आप इनको शादी के लिए क्यों फोर्स कर रहे हैं, वो भी मेरे पैसों के लिए। नहीं माधव, अभिरामी के लिए मैंने लड़का ढूंढ लिया है। वो पढ़ा लिखा है, बस थोड़ा सा मोटा है, थोड़ा कमाता कम है तो क्या हुआ, आगे वो बहुत पैसे कमाएगा मुझे विश्वास है। वो कौन है सर? तुम हो। अभिरामी की इच्छा है कि वो जॉइंट फैमिली में शादी करे, और तुम्हारी फैमिली जॉइंट है, लेकिन यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अभिरामी थोड़ी मॉडर्न ख्यालात की है और तुम्हारी फैमिली पुराने ख्यालात की। उसकी कोई चिंता नहीं है, अभिरामी एडजस्ट कर लेगी। नहीं सर, मैं अपने बहनों की शादी से पहले कैसे शादी कर सकता हूं? अभी भी तुम उसी दुविधा में हो। अभिरामी की शादी होते ही बैंक से सारे पैसे मिल जाएंगे और तुम्हारी बहन की शादी हो जाएगी। मंजूर नहीं है तो ना बोल दो, अभिरामी के लिए कोई और लड़का ढूंढूंगा। सर लेकिन एक कंडीशन है, गहने चोरी हो गए हैं, मेरे परिवार में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अभिरामी से मैं रजिस्टर शादी करूंगा, लेकिन मेरी बहनों की शादी होने तक इन्हें हॉस्टल में ही रहना होगा। धीरे धीरे परिवार वालों को मनवा लूंगा और फिर इन्हें घर लेके आ जाऊंगा। क्यों बेटी, तुम्हें ये कंडीशन मंजूर है? मंजूर है। बोलो। आप अपने कान बंद कर लीजिए। ठीक है। आपको पता है, मेरी जिंदगी में भाई बहन कोई नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को भी इसी दौर से गुजरना पड़े। आप कहेंगे कि आपको एक ही बच्चा चाहिए, पर मुझे बहुत सारे बच्चे चाहिए। ओके ना? हाँ ओके। अब आप हाथ हटा सकते हैं। आपने कुछ सुना नहीं ना? तुमने बहुत सारे बच्चे कहा, ये बात मैंने नहीं सुनी। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। 100 करोड़ की आबादी तो पहले से ही है, अब तुम लोग उसे और बढ़ाओ। अरे वो दोनों गले में हार पहन के खड़े हैं, शादी हो गई है क्या? अरे रुको 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 रुको, अरे रुको, एए, चलो। ए सुनो, मैंने बेटे को भेजा था ताकि वो क्रिमिनल लॉयर बने, लेकिन आपने अपना दिमाग चला दिया, मेरे बेटे की शादी करवा दी उसके माँ बाप की गैर हाजिरी में, ये ठीक नहीं है। अभी हाल ही में तुम्हारी दोनों बहनों की सगाई हुई है, और ऐसे में तुम अपनी शादी ऐसे कैसे कर सकते हो? बताओ तो, मेरी बेटियों को क्या इज्जत मिलेगी भला उनके घर? तुम चुप रहो, सुनो, इनके माँ बाप को बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। उसकी माँ भी नहीं है, उसका बाप भी नहीं है, सब कुछ मैं ही हूं। अनाथ है। मैंने मेरे बेटे को इतनी तकलीफ से बड़ा किया, वो इसलिए ताकि वो किसी अनाथ लड़की को अपनी बीवी बना कर लेकर आए। मत बुलाओ उसे। भैया हमने आपका क्या बिगाड़ा था, आपने हमारे बेटे के साथ ऐसा क्यों? अरे इन्हें बोलने से क्या फायदा है, तुम्हारे बेटे को अकल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है पिरुमल सर। सर मत बोलो। पिताजी, तुम मुझे पिता मत बोल। चलो तुम। बेटा तुम हमारे साथ चलोगे या इसके साथ आओगे? वो जरूर आएंगे बहन जी, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। चलो ऑटो चालू कर। ठीक है सर,
इनको मेरी शादी के बारे में कैसे पता चला? मैंने ही फोन करके उनको बुलाया था। ये क्या सर, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? माधव, तुमने बड़ी आसानी से कह दिया कि शादी के बाद अभिरामी हॉस्टल में रहेगी। उसके बाद कल को क्या होगा किसे पता? कल अगर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी शादी किसी और लड़की से तय कर दी तो फिर अभिरामी का क्या होगा? मेरी बात सुनो, जब तक एक लड़की की शादी नहीं होती वो कई सालों तक अकेली रह सकती है, लेकिन एक बार अगर उसकी शादी हो गई तो उसको अपने पति के साथ ही संतुष्टि मिलती है। इसीलिए मैंने तुम्हारे यहाँ शादी करवाई और तुम्हारे माँ बाप को बुलाया, क्योंकि मैं एक जेंटलमैन हूँ। तुम्हारे गहने की चोरी के बारे में तुम्हारे माँ बाप को नहीं बताया, मैंने कहा था ना मैं एक जेंटलमैन हूँ। उसी तरह तुम भी एक जेंटलमैन होकर अपनी बीवी को अपने घर ले जाओ। थोड़े दिन की प्रॉब्लम रहेगी, फिर सब कुछ सही हो जाएगा। सर आप प्लीज मेरी बहनों के लिए गहनों का इंतजाम करें। मैं अगला काम वही करने जा रहा हूँ, समझ गए? ओके सर, थैंक यू। ओम राजाधिराजा राजा मार्तांड राजा पराक्रम राजा गंभीर राजा मणिमार। समझ गया। आहा, लोग तो प्लेट में 25-50 पैसे रखते हैं, लेकिन तुमने तो सोने की अंगूठी ही डाल दी इसमें। रॉयल फैमिली की यही तो महानता है। आहा, कल्याणी गोल्ड कवरिंग माता नमः। मेरी प्यारी परी, वो बूढ़ी औरत परी के साथ नहीं है? कौन सी बूढ़ी औरत? मतलब तुम्हारी माँ। नहीं। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा चेहरा हमेशा चांद की तरह चमकता रहता है, लेकिन आज ये चांद पर ग्रहण किसने लगा दिया? मेरे भैया ने किसी को बिना बताए शादी कर ली। माँ पिताजी बहुत ही गुस्से में रजिस्टर ऑफिस गए थे, मुझे डर लग रहा था इसलिए मैं यहाँ मंदिर में आ गई। कैसा परिवार है? आप क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं जी? एक बड़ा सा गिफ्ट लेके घर वालों को शांत कर दीजिए ना प्लीज। तुम चाहती हो कि मैं एक बड़ा सा गिफ्ट दे दूं? जब तक मैं गिफ्ट लेकर आऊं तब तक तुम घर जाओ, ये लेकर जाओ। आओ, प्रसाद ले लो। हाँ लेता हूँ। जब से तुमने अंगूठी डाली है ना, तब से तो मैं हवा में उड़ रहा हूँ। अभी भी उड़ रहे हैं? ये भगवान, ये अभी तक आप 1.5 किलोमीटर चल चुके हैं और मुझे देखने भी नहीं दे रहे। आखिर इस चहलकदमी की वजह क्या है? क्योंकि मैं गुस्से में हूं। ये तो छोटी सी बात है, आप अपनी बेटी की शादी रॉयल फैमिली में कर रहे हैं, आपके परिवार की इज्जत 2 गुनी बढ़ जाएगी, और इसके बाद बहू बेटे की बेइज्जती करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। अगर आप उनकी बेइज्जती करेंगे तो ये राज परिवार की बेइज्जती होगी, और ये मैं सहन नहीं कर सकता। अच्छा है दोनों को घर में बुला लें। क्राउड, आप लोग क्या कहते हैं? ठीक है, अच्छा क्राउड है। अच्छा सुनिए, उनके आने से पहले आनंदी तैयार रखिए। आनंदी कौन है? आरती, आरती। सॉरी मैं फिसल गया था, मतलब जुबान फिसल गई। भैया, पहले आप कहते थे कि आप हमसे पहले शादी करके लड़की लाएंगे, हमें लगता था कि वो मजाक था, लेकिन आज समझ में आया वो मजाक नहीं सच था। ये मेरी पहली बहन है और ये दूसरी। ठीक है ठीक है, ऐसे रास्ते में खड़े होके और इज्जत क्यों गवा रहे हो? चल रहे हैं, चल रहे हैं। कैसे हैं आप? अरे आप कैसे हैं आप? हाँ, मिस्टर माधवन, आपने घर वालों को बताए बिना ही शादी कर ली, लेकिन हम आपकी तरह नहीं है। आपके परिवार की लड़की से एक राज परिवार का लड़का शादी कर रहा है। मेरी रॉयल फैमिली और उसके पूर्वजों की इज्जत चली गई। अपनी फैमिली का ये स्मृति चिन्ह मैं आपको दे रहा हूँ, लो। मैंने इसे कहीं तो देखा है। मैं हर शनिवार को जब मंदिर में जाती हूँ। पहले कभी देखा है तो आप नहीं देख पाएंगे। लाइए मैं आपको समझाता हूँ, ये वो मुकुट है जब हमारे पूर्वज शासन करते थे तब उनके सिर पर होता था। नहीं नहीं, आपको इसकी पूजा नहीं करनी है। पर मैं इनके चरण नहीं देख पा रहा। आप भीतर भी चरण ढूंढ सकते, दादाजी के पैरों में चोट लगी थी इसलिए पैरों पर है। ये स्मृति चिन्ह से संभाल कर रखिएगा, दे दो इन्हें, रख देंगे। उसे भूल जाओ, तुमने शादी की बिना बताए, ना फोटो ना वीडियो ने, लेकिन स्वागत वैसे नहीं होनी चाहिए, रीति रिवाज के साथ होनी चाहिए। आप रिकॉर्ड करने वाले? मेरा मतलब है जो कुछ जरूरी है उसकी तैयारी करो। हाँ, जो कह रहा हूँ वैसा करो। इतनी देर हो गई, अभी तक आई क्यों नहीं?
तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ? मैं कैसे जल्दी आती, सब मुझे घेरे हुए थे। अरे रे रे, अभिरामी शर्मा रही है। अभिरामी, सोचा नहीं था मेरी शादी इस तरह होगी और मुझे इतनी सुंदर पत्नी मिलेगी। और आज हमारी सुहागरात है, सब कुछ एक सपने जैसा है। हाँ जी, मैं अनाथ की तरह हॉस्टल में बड़ी हुई। अच्छे पति, सास ससुर, दो ननद और बहनोई मिलेंगे, ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि इतने रिश्तेदार होंगे। जिंदगी में अक्सर ऐसा ही होता है, जो कभी नहीं सोचते वो भी हो जाता है। मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो। आज हमारी सुहागरात है ना? हाँ सही कहा। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसा नहीं होने वाला। क्यों, मैंने ऐसा क्या किया? नहीं जी। हाँ। हमारे घर में दो बड़ी लड़कियां हैं। हाँ। हमने उनसे पहले शादी तो कर ली है जी। हाँ। लेकिन आप पहले उनकी शादी होने दीजिए। हाँ। बाद में हम इसके बारे में सोचेंगे। मेरी लाइफ ही बर्बाद हो गई। नाराज हो गए? नहीं अभिरामी, मेरे वकील दोस्त हमेशा कहते थे कि अगर तुम शादी करोगे तो सुख चैन खो दोगे, लेकिन तुम पहले दिन से ही अपनी खुशी से ज्यादा मेरी बहनों की खुशी के बारे में सोच रही हो। सच कहूं तो मैं बहुत खुश नसीब आदमी हूँ। चलो आप ऊपर सो जाइए, मैं नीचे सो जाऊंगी। तुम तो पहले दिन ही मुझे स्कूल टीचर की तरह डरा रही हो। नहीं जी, पत्नी बेड पे और पति नीचे कैसे सो सकते हैं? जल्दी सो जाओ वरना मेरा मूड चेंज हो जाएगा। मेरे परिवार को हमेशा खुश रखना भगवान। आप कब आए? मैं पहले ही आ गया था। आहा, जोड़ी बन गई। मैंने सोचा नहीं था कि कभी ऐसा होगा। अरे नई जोड़ी अगर घर में बन गई है तो पत्ते में क्यों नहीं बन सकती? माधवा, तुम्हें याद है ना अगले हफ्ते तुम्हारी बहनों की शादी है? हाँ याद है, आपको क्या करना है? मैंने जो पैसे दिए थे तुम्हें गहने लाने के लिए, मेरी माँ के कमाए हुए पैसों को तुम बटोर कर देने वाले हो। भाई होकर तुम क्या करने वाले हो? मैंने सही कहा ना? आप हमेशा ऐसा क्यों कहते रहते हैं? माधव आमा, हमें तुमसे कोई उम्मीदें नहीं है, लेकिन सबके लिए शादी के कपड़े ले लो और बहनों के लिए साड़ियाँ ले लो, बस इतना ही। और कुछ तुम चुप क्यों हो? देखता हूँ। इसके लिए भी देखता हूँ। सब ठीक हो जाएगा, तुम चुप करो। ये सब क्या है? उन्होंने सबके लिए कपड़े खरीदे। कपड़े? जरा रुको भाई। ये सब मेरे बेटे ने खरीदे हैं ना? सुनो सब यहाँ, भाई ने शादी के लिए कपड़े खरीदे हैं। ये आप दोनों के लिए और ये माला के लिए, ये विष्णु के लिए। थैंक यू। और ये तुम्हारे लिए। मुझे लगा था कि ये मेरे लिए कोई साधारण कपड़े लाएगा, कपड़े देखकर लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा महंगे। सिर्फ आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी सिल्क की साड़ी लेकर आया है। बॉर्डर बहुत अच्छी है। वो साड़ी का किनारा है। ठीक है। ब्यूटीफुल कलर, भैया ने मेरे लिए अच्छी साड़ी चुनी है। ज्यादा मत उड़ो, भाई ने मेरे लिए तुमसे भी महंगी साड़ी ली है। ये कपड़े सच में बहुत अच्छे हैं। लेकिन बेटी माधव कहाँ है? उन्हें बहुत जरूरी काम था इसलिए उन्होंने कपड़े मुझे दे दिए और चले गए। आ गए। बेटा माधव, तुम थक गए होगे, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। अरे कॉफी वॉफी नहीं भाई, अरे इसके लिए हॉर्लिक्स लेकर के आओ। आपको मेरा फेवरेट रंग याद था, मेरे लिए उसी रंग की साड़ी लाए। थैंक यू। मेरी भी साड़ी सुंदर है। ये जींस बहुत अच्छी है। आप ही ने कहा था ना सबको देने के लिए? कब? हाँ सुबह पैसे दिए थे ना खरीदने के लिए। पैसे मैंने? आप मेरे साथ। ये कपड़े बहुत अच्छे लेकर के आया, इसे एक नहीं दो कप देना हॉर्लिक्स। तुमने सबके सामने ये क्यों बोला कि कपड़े मैं लाया हूँ? तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप बैठिए तो सही। सुबह ससुर जी ने आपको कपड़े खरीदने को कहा था ना, मैंने आपका उतरा चेहरा देख लिया था। तुमने देख लिया था? मैं समझ गई थी कि आपके पास पैसे नहीं होंगे। अपने परिवार वालों के लिए कपड़े खरीदे, ये हमारी जिम्मेदारी है ना। इसलिए आज मैंने ऑफिस में लोन अप्लाई किया और उन्हीं पैसों से कपड़े खरीद लिए। लेकिन तुमने ये क्यों नहीं बताया कि वो सब कुछ तुम लेके आई हो? चलो उनके सामने बोलोगी तभी समझेंगे कि तुम कैसी हो। रुकिए ना,
अभी वो आपकी कितनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मेरे लिए इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। मेरे माता पिता मुझे आज तक समझ नहीं पाए, और तुम मुझे अभी मिली हो और ये आप क्या कर रहे हैं जी? आप मेरे पैर क्यों छू रहे हैं? तुम्हारा पैर छूना गलत नहीं है, लेकिन मैं किसी और काम से नीचे झुका था। चलो अपने पैर दो। अरे सुनिए, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, चलो पहले बैठो। लेकिन आप नीचे बैठे। अभिरामी, हमारी शादी बहुत जल्दी में हुई, मैं तुम्हारे लिए कुछ ले भी नहीं पाया, लेकिन जितने पैसे मेरे पास बचे थे उससे मैंने तुम्हारे लिए ये बिछुआ ले आया। कैसे पहना सकता हूँ? अब दूसरे पर आगे करो, आगे करो। माधव, ये लोग हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। माधव, आइए आइए आइए। अरे अरे, आपका स्वागत है, आइए। नमस्ते। अरे नाश्ता अंदर अंदर जाकर करिए। आइए 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 आइए। नमस्ते। आइए 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 आइए। अरे मीनाक्षी, तुम अकेली आई हो, पति नहीं आए? दूसरी शादी में गए हैं, इसलिए मैं अकेली आई हूँ। आपने अपनी बेटी की शादी में बुलाया, लेकिन बेटे की शादी में नहीं बुलाया क्यों? हमारे बेटे ने हमें ही उसकी शादी में नहीं बुलाया। अच्छा। उसने एक अनाथ लड़की के साथ शादी कर ली और बोला कि ये आपकी बहू है, कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए एक्सेप्ट करना पड़ा। क्या करे, नसीब खराब था। हाँ, तुम सही कहा। अब सुनते हो जी, मेरी बहन की शादी हो रही है, तुमने ही मुझे पैसे दिए थे गहने खरीदने के लिए, बहुत बहुत थैंक्स। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हमारी शादी इसलिए हुई क्योंकि हमसे गहने खो गए थे। तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। शादी को तो कितना समय हो गया है, आप दोनों एक दूसरे को क्यों देख रहे हो? जो करना है जल्दी करो, नहीं तो हम दोनों घर जा रहे हैं, चलो। अरे रे दामाद जी, क्या मजाक कर रहे हैं? आपको तो अभी हमारे हर एक शादी की रस्मों को पूरी करना है, कैसे जा सकते हैं? 6 बजे के बाद जाइएगा। क्या 6 बजे के बाद? हे भगवान, अब क्या होगा? दरअसल वो क्या है ना कि हमारे घर में कोई सुहागरात नहीं मनाता। दामाद जी, तो आप पैदा कैसे हुए? हमारे यहाँ दिन में सुहागरात मनाते हैं। सुहागरात दिन में? सब लोग तो रात में मनाते हैं। हमारे यहाँ का मानना है कि अगर हम सबके सोने के बाद रात में सुहागरात मनाते हैं तो बच्चा हमेशा नींद में रहता है, इसलिए सुहागरात हम दिन में मनाते हैं। क्यों झूठ बोल रहे हो? इन्होंने रात में सुहागरात मनाई है, इसीलिए तो तुम लोग सब काले हो। पिताजी, अगर दूल्हा जाना चाहता है तो आप उसे रोक क्यों रहे हैं? बहनो जी, आप माला ले लीजिए और जाइए। इतनी जल्दी सब गायब कैसे हो गए और कहाँ गए? हमारी हवेली में पुश्तैनी खाट पड़ी हुई है, अगर उस पर सुहागरात मनाओगे ना तो अच्छी संतान पैदा होगी। क्यों दादाजी, आपके पिताजी ने भी सुहागरात उस खाट पे मनाई थी। इसीलिए आप इतनी सुंदर आंखों के साथ पैदा हुए हैं। बहनोई जी, आपको लेट नहीं हो रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी कॉलर पकड़ के बाहर धकेल रहे हो? मैंने तो आपके कंधे पे हाथ रखा था, लेकिन स्लिप हो गया। अगर आपका हाथ स्लिप हो गया तो उसे नीचे जाना चाहिए, ऊपर कैसे आ रहा है? आजा, आजा, आजा। बाय। हाँ, सिर्फ उन लोगों की नहीं डार्लिंग, हमारी भी सुहागरात है। सुहागरात में राजा की तरह तैयार होने की परंपरा है रॉयल फैमिली में। कौन है? ओ,
फातिमा, सोचा था कि मेरी पत्नी दूध का गिलास लेकर आएगी, लेकिन आज भी आप ही लेकर आई। ये साधारण दूध नहीं है, इसमें हिरण के सिंग का पाउडर है, कुछ समझे? हाँ बेटा, अगर तुम इसे पियोगे ना तो हिरण की तरह उछल उछल के घास खाऊंगा। इसे पीने के बाद 24 घंटे तक तुम्हारे बदन में जोश रहेगा। तो मुझे इसमें देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी दो। मैं खुश हूँ कि ये रोज ये दूध पीते हैं। दूध ने अपना काम कर दिया है। चलो चलो ना, चलो। सुनिए जी, अरे रे, आप ऐसे क्यों चल रहे हैं? क्या हो गया आपको? उन्होंने कहा था हिरण के सींगों से मेरे अंदर जोश आ जाएगा, लगता है कुछ ज्यादा ही हो गया है, ज्यादा ही जोश आ गया है। उठिए जी। अरे रे, आप फ्लाईओवर जैसे क्यों बन गए हैं? मैं क्या तुम्हें फ्लाईओवर की तरह दिख रहा हूँ? नीचे से देखो सब्वे जैसा दिख रहा होगा। किसी मिनिस्टर को बुलाओ फीता काटने के लिए। तो अब हम हमारी सुहागरात नहीं मनाएंगे क्या? ये किसने बोला? हिरण के सींग से मैं जोश में आकर सुहागरात मनाऊंगा। मुझे लगता है बंदर की पूंछ भी मिक्स कर दी है, उसका असर पहले दिखने लगा है। अभी अभिरामी, तुमने सब्र के साथ बहुत लंबा इंतजार कर लिया। थैंक यू अ लॉट। तुम इतनी चुप क्यों हो? मैं ही बातें किए जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता जी। क्यों? बहुत शर्म आ रही है। अरे वाह, बहुत शर्म आ रही है। लाइट बंद कर देते हैं। नहीं जी, उसके लिए नहीं। फिर किस लिए? गजनी मोहम्मद ने भारत में कई बार आक्रमण किए थे, वो पूरे हिंदुस्तान। विष्णु पढ़ाई कर रहा है। विष्णु पढ़ाई कर रहा है, वो हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। और अब आओ भी ना। जयपुर के खिलाफ लड़ाई की और उसे मार गिराया। उसने 16 बार ये गजनी मोहम्मद से आगे नहीं बढ़ रहा और हमें परेशान कर रहा है। पर हार के बाद वो लगातार भारत में आक्रमण करता ही रहा। गजनी मोहम्मद एक बहुत ही छोटे, ये गजनी मोहम्मद ने इंडिया के ऊपर हमला किया था, इतनी रात को क्यों पढ़ाई कर रहा है? जाके सो जा, सुबह उठ करके पढ़ लेना। जा भैया, मेरा कल एग्जाम है। अरे एग्जाम किसका नहीं है, मेरा भी एग्जाम चल रहा है। अब अगर तू नहीं सोएगा ना तो सुबह एग्जाम में तुझे नींद आएगी। अरे भैया, पहले बाथरूम जाऊंगा फिर सोऊंगा ना। ए, उसके बाद आके सो जाना, फिर से पढ़ने मत बैठ जाना। अरे माधवा। पिताजी। दरवाजे की घंटी कौन बजा रहा है? ठीक है, देखता हूँ, आता हूँ। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? ए, ए, माला, क्या हो गया? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हुआ? अरे हुआ क्या? अरे क्या हुआ मुझे बताओ तो। भैया, क्या हम सबको धोखा मिला है। क्या बोल रही हो? आप लोग उसे जैसे समझते हैं वो वैसे बिल्कुल नहीं है। वो रोज 6 बजे के बाद बिना शराब पिए नहीं रह सकता। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, वो अच्छा इंसान नहीं है। किसी को याद आ रहा है जो मैंने कहा था? माधव, जब हमसे सुबह मिले तो कितना शरीफ इंसान लग रहा था वो। पता नहीं था कि शाम होते ही वो शराबी बन जाएगा। ए, उसने मेरी बेटी को रुलाया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। माधव चल मेरे साथ, मैं उसका बंदोबस्त करता हूँ। पिताजी, चल, हम लोग नहीं, हम आज ही जाएंगे। जो पिया वो उसके पास चाकू भी तो हो सकता है ना। ठीक है, हम कल जाते हैं। माला, माला तुम जाके अभी सो जाओ। क्या कर सकते हैं कल? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं जाके सोती हूँ। अरे तुम रोना बंद करो। अरे तुम रोगी तो अभिरामी डर जाएगी। एक काम करो, तुम और तुम्हारी माँ जा करके भाभी के साथ सो जाओ। अरे वो परेशान हो जाएगी, इसलिए कह रहा हूँ सोने के लिए। अरे भगवान, क्या करूँ? जाओ जाओ जाओ। माधवा,
ए विष्णु, कल तुम्हारा एग्जाम है ना, जाके पढ़ाई करो। आपने सोने को कहा था? हाँ मैंने ही कहा था, लेकिन अभी जाके पढ़ाई करो, चलो जाओ। कभी कुछ बोलते बात ही नहीं सुनते। गजनी मोहम्मद भारत में आक्रमण किया और हमेशा हारता गया। कुछ और पढ़, हमेशा हारने वाली बातें। ए शराबी पागल इंसान, पिताजी आपको क्या हुआ? उसने पीने के बाद मेरी बेटी को घर से निकाल दिया। हम इसके बारे में कल बात करेंगे, अभी आप सोचिए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा बेटा। अरे पागल इंसान। माला ये क्या है, पूरी रात रोई हो, ये काफी नहीं था क्या? चलो उठो उठो, चलो तैयार हो जाओ, चलो। देखो कितने लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम लोग क्या उसे ऐसे ही छोड़ देंगे? चलो अभी उसके घर चलते हैं। इसे लेके जाइए, तैयार करवाइए और कुछ खिलाइए। आता हूँ। माला तुम परेशान मत हो, मैं उसे ऑटो के साथ पकड़ता हूँ। बच गया, अगर मुझे देख लिया होता तो मेरा गेम ओवर हो जाता। ससुर जी, सासू माँ, ससुर जी। क्या है ससुर जी, एक तो गलती करते हो, ऊपर से ससुर जी बोल रहे हो। दामाद जी, हमारी तुमसे क्या उम्मीदें थी? हाँ हमें आप एक अच्छे इंसान लगे, इसलिए हमने अपनी बेटी की शादी आपसे करवा दी, लेकिन आपने तो पहले ही दिन इसे रुला दिया और ये आ गए। भैया मैं आपसे उम्र में छोटी हूँ, मुझे गलत मत समझिएगा, इसे आपसे कितनी उम्मीदें थी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे चुप करो सब। देखो दामाद जी, अगर मेरा बेटा यहाँ घर पर होता ना तो तुम्हें मार मार कर तुम्हारा भुर्ता बनाकर यहाँ लिटा देता हूँ। वो एक बार मारे काफी नहीं है क्या? तुम चुप करो, दरवाजा बंद करो और माधवन को बुलाओ। चार हो और मैं अकेला हूँ, नाम कमाने में देर लगती है, जल्दबाजी में कोई फैसला मत कीजिए। पूरी बात की छानबीन कीजिए फिर फैसला कीजिए। ये लीजिए। ये क्या है? अरे पूछ क्या रहे हो, ताश की गड्डी है। ये प्लास्टिक के पत्ते हैं, कभी खराब नहीं होंगे। बेटा रुक जाइए, सासू माँ आज से आप मेरी सासू माँ नहीं, दामाद जी। सासू माँ बुलाता हूँ तो मुझे पराया लगता है, इसलिए आज से ये मेरी माँ है। माँ आप हमेशा खुश रहे, इसीलिए मंदिर जाके प्रार्थना करके आपके लिए प्रसाद लेकर आया हूँ। ये लीजिए, रख लीजिए। बहना भले हम दोनों की माँ अलग हो, लेकिन फिर भी तुम मेरी सगी बहन जैसी हो। मैंने शादी में तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, इसीलिए तुम्हारे लिए स्वीट्स लेकर आया हूँ। ले लो, रख लो, रख लो ना। बहना ये पेन विष्णु के लिए लेके आया हूँ। ससुर जी अभी बताइए क्या हुआ? पूछता हूँ क्या हुआ था। अरे पागल, अरे बदतमीज, आपको नहीं कह रहा हूँ, आपको नहीं, उस ऑटो वाले को। मुझे ब्रांडी थमाई और बोला ये फ्रूट का जूस है पी ले, और मैंने भी एक घूंट में पी लिया और अचानक मुझे चढ़ गई। मेरे माँ बाप ने बचपन में मुझ पर जो अत्याचार किए थे वो सारे मेरे दिमाग में घूमने लगे, और उसी नशे में हाथ हिलाते हिलाते मैं घर गया, और उसी वक्त अचानक आपकी बेटी आ गई। मैं समझ गया, जैसे ही आपने हाथ उठाया गलती से हाथ मेरी बेटी को लग गया। सही कहा, यही हुआ था ना? कहा ससुर जी, इसी बात की वजह से वो घर आ गई। हुआ कहाँ है वो? ससुर जी क्यों बेटी, उसने जो कहा वो मैं समझ गया, उसने तो ऐसा कुछ नहीं किया। पिताजी क्या, पिताजी पिताजी, अच्छे इंसान को तुमने जिम्मेदार कैसे ठहराया? पुरुष तो ऐसे ही होते हैं, हमें समझना चाहिए। नहीं माँ, ये ज्यादा पीते हैं इसलिए मुझे डर लगता तुम है। उनसे बिल्कुल मत डरो, अपने पिताजी को ही देख लो, एक हाथ में बोतल और दूसरे हाथ में ताश की गड्डी रहा करती थी, ये भी बहुत पिया करते थे, लेकिन मैंने इन्हें ऐसी दवाई दी। उसके बाद मैं घर के बाहर कभी नहीं गया। अरे बताओ ना कि वो कौन सी दवाई थी, इसे बता दो, बताओ बताओ। दवाई, ऐसी कौन सी दवाई है? ससुर जी हाँ? माँ कौन सी दवाई के बारे में बात कर रही है, जरा बताओ ना मुझे, प्लीज बताओ ना। मुझसे नहीं, इनसे पूछो। माँ को पूछू? अपनी पत्नी को पूछो। मेरी प्यारी माला, माला बीबी, पति देव, पति देव, चलो घर चलते हैं। ससुर जी घर जाइए, घर जाइए, घर जाइए, घर जाइए। माला मैं बहुत खुश हूँ कि माला का पति आके उसे अपने घर ले गया, अब हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। सुनिए जी, घर चले क्या? नहीं।
चलिए ना घर। घर चले? बस 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 रोक लो रोक लो रोक लो रोक लो, ये लो 50 रुपए। 40 रुपए मेरे साहब। अरे कोई बात नहीं, 10 रुपए टिप रख लो। थैंक यू साहब। ये सब क्या है? पूरे घर को फूलों से सजा रखा है, पता नहीं, चलो चल के देखते हैं। बोलो अयप्पा स्वामी की जय हो। अयप्पा स्वामी हम सबको सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, धन दे, धन दे, हम अच्छे मार्ग पर चले, हमारा मार्गदर्शन करे, हमारा मार्गदर्शन करे। अयप्पा स्वामी की जय हो। अयप्पा स्वामी की जय हो। अयप्पा स्वामी की जय हो। भगवान आप पे कृपा करे, कृपा करे, आपके परिवार को सुखी रखे, सुखी रखे। पिताजी क्या है ये सब? हा? मैंने कसम खाई थी कि जब तुम तीनों की शादी हो जाएगी तो उपवास रखूंगा। हा? सब कुछ शांति से हो गया, एक दिन देर क्या हो गई, तुम्हारी बहन शादी वाले दिन ही रोते हुए आ गई और हमें अभिशाप मिल गया बेटा। उसके बाद पंडित जी घर आ गए, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे उपवास रखना है तो मैंने रख लिया। वो कौन है पिताजी? ये है ना पंडित जी। मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप पहली बार सबरीमलाई जा रहे हैं, अयप्पा स्वामी बहुत ही शक्तिशाली भगवान है, आपको अपना घर साफ रखना होगा, इनकी अभी नई नई शादी हुई है पर इन्हें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना ही होगा। स्वामी अयप्पा, हमारे स्वामी अयप्पा। पंडित जी पिताजी उपवास कब तक रखेंगे? एक मंडलम मतलब 48 दिन, एक महीना और 18 दिन। हमारे स्वामी, हमारे स्वामी, हमारे स्वामी, हमारे स्वामी, हमारे स्वामी, अयप्पा, अयप्पा, अयप्पा। माला, माला, पतिदेव आप बाहर नहीं जाएंगे जब तक मैं खाना और घर के काम नहीं कर लूं। ठीक है, आप एक ही जगह पर बैठेंगे और कुछ शैतानी नहीं करेंगे, और जब मैं बुलाऊंगी तभी आप आ जाना। ठीक है माला। बहू जरा सुनो, मेरे पास आना। जी सासुमा। मेरा बेटा जो है वो शाम के 6 बजे के बाद जहरीला सांप बन जाता है, लेकिन तुमने इसे बिना जहर वाला सांप बना दिया, कौन सा नुस्खा अपनाया? सासू माँ। हाँ? दवाई। ऐसी कौन सी दवाई है, मुझे भी बताओ ना बहू। नहीं मैं नहीं बता सकती, मुझे शर्म आती है। तुम्हें शर्म क्यों आ रही है, मैं तुम्हारी सास हूँ ना, बता भी दो, ये सब चलता है। ये सब इस जमाने में होता है। माला मैं भी आऊँ? ठीक है आ जाओ। आया भी? क्या कर रहे हैं जी? ससुर जी अभी तक मंदिर से लौटे नहीं हैं। हम दोनों एक दूसरे से 48 दिनों तक दूर थे, जब से पिताजी गए कुल मिला के 55 दिन हो चुके हैं। जब से हमारी शादी हुई है तब से पूरा मिला के 85 दिन जी, और 15 दिनों के बाद कुल मिला के 100 दिन हो जाएंगे। ए, इसका मतलब तुम भी इसका हिसाब रख रही हो बदमाश। भैया क्या हुआ, क्या हुआ? ऊटी की टूर के लिए मैंने 500 रुपए मांगे थे ना आपसे। मैंने तुमसे बोला था ना जाओ अभी। मैंने ऊटी कभी नहीं देखा। अरे तो क्या मैंने देखा है, चलो जाओ 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 जाओ। क्या जी बच्चा है, जाने दीजिए ना उसे। मैं भी तो बच्चा हूँ लेकिन। अरे पिताजी आ गए, माँ पिताजी आ गए, देखो। सुनो पिताजी को उपवास अभी भी चला लेकिन अपना खत्म हो गया। लेकिन ऐसे दिन में आपके माँ पिताजी क्या सोचेंगे? वो तो तब सोचेंगे ना जब घर पे रहेंगे, मैं उन्हें जल्दी कहीं बाहर भेज देता हूँ। पुष्पा मैं शाकाहारी खा खा के परेशान हो गया हूँ, मेरे लिए मांसाहारी बनाने की व्यवस्था करो ताकि मैं खाना खा सकूं। पिताजी आप अभी भी मंदिर से आए और अभी से मांसाहारी खाना चालू? पहले बहनों के घर जाइए और उन्हें प्रसाद वगैरह दे करके आइए। मेरे पैरों में दर्द है बेटा, तुम जाके दे। अगर आप प्रसाद खुद के हाथों से देंगे तो ज्यादा असरदार होगा। तो आप जाकर क्या मैं दाढ़ी भी बनवाऊं? ज्यादा समय नहीं लगेगा, माँ जल्दी से जाके तैयारी कीजिए। हाँ जी माधवन बिल्कुल सही कह रहा है, आप जाके दाढ़ी बनाइए, मैं प्रसाद बनाकर लाती हूँ। जल्दी कीजिए, तब तक मैं जाके ऑटो लेके आता हूँ। ये इतना फोर्स क्यों कर रहा है? तैयार होता हूँ, मेरी शेविंग किट रेडी करो। ये इतना फोर्स क्यों कर रहा है पता नहीं। ए विष्णु
तुमने कहा था तुम्हें पैसे चाहिए, पर आपने कहा कि पैसे नहीं है। तब परिस्थिति कुछ अलग थी, ये ले 500 रुपए, चल चल जा जा जा। इन पैसों से कैसे मैं टूर करूंगा, ये तो सिर्फ बस के टिकट के हुए और मेरे खर्चे के लिए। ये तो मुझे पूरा निचोड़ के रख देगा जब मेरे पास पैसे नहीं है। ये ले 10 रुपए, इतने पैसे में कुछ नहीं आने वाला। ये क्या बोल रहे हो विष्णु? थैंक्स भाभी, बाय। मैं सब समझ रहा हूँ, बहुत जल्दी है तुम्हें सबको बाहर भेजने के लिए। ससुर जी घर पे? हाँ हाँ, मैं ऑटो लेके आता हूँ, वहाँ से कोर्ट जाके जल्दी से वापस आ जाऊंगा। तुम रेडी रहना है? रेडी हो, तुम लोग रेडी हो क्या? ससुर जी, आप मंदिर से लौट के आए, राजाओं की तरह खाना खाइए। और ये चिकन क्यों नहीं खा रहे हैं? मेरी परी, सबका ख्याल रखो। अरे भाई, तुमने केले के पत्ते में भोजन परोसा है? हमारे राज्य के शाही पत्ते हैं। चिकन का टेस्ट बहुत ही अच्छा। हाँ, वो हमारे खेतों का है। आप लोगों ने चिकन के इतने सारे व्यंजन बनाए हैं, आप सच में महान हैं। ये सब तो हमारे लिए मामूली बात। खाने में चिकन ना होता हम खाना ही नहीं खाते। आप घर आए हैं तो इसी तरह का खाना होना चाहिए ना? आपकी और हमारी चिकन करी की तुलना नहीं हो सकती। साहब जी, ये कौन है? ये हमारी हवेली का रखवाला है, हमने इसे कमांडो की तरह कपड़े पहना। मुझे 60 रुपए दे दीजिए ना साहब। वो क्या है कि इन्होंने मुझसे 6 कौवे लिए मेहमानों के लिए, 1 कौवे का 10 रुपया, तो 6 कौवों का 60 हो गया, वही लेने आया हूँ। ये कौवे का गोश्त है? ये सब कौवे का ही गोश्त है। कौवा? हाँ, ये सब कौवे का गोश्त है। क्या है ना कि आजकल चिकन महंगा हो गया, इसलिए आप सोचिए ना। कौवा, कौवा, साहब, साहब, तू चुप रहे। अरे रे, दादाजी को बिल्ली का गोश्त चाहिए तो उन्हें समझ में नहीं आता, उन्हें अच्छा क्यों नहीं लगा? किसी 5-स्टार होटल में खाया होता तो साथ में टिप भी दे गए होते। ला 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 ला। अभी 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 रामी। क्या हुआ जी? कहाँ हो तुम? मैं अभी नहा रही हूँ। अभिरामी, दरवाजा तो खोलो। अभिरामी, क्या चाहिए? अभिरामी, सोच रहा था मैं भी ज्वाइन कर लूं। अरे मैं नहा के आ रही हूं, आप जाइए। अरे आप, मेरे पैर में पैर में लगी। सुनो कारपेंटर जी। सर, ये दरवाजा कौन सी लकड़ी से बना है? सागवान। सागवान? सागवान, फिर भी ये दरवाजा गिर कैसे गया? नहीं, ये दरवाजा अभी के इस पर गिरने से नहीं टूटा होगा। तो फिर अभी के साथ में कोई भारी वस्तु भी इस पर गिरी होगी। अच्छा। अभी के साथ वो क्या हो सकता है? सुनो भाई, वो गिरी तो उसके मुंह पे पट्टी है, लेकिन तुम्हारे नाक पर क्यों पट्टी बंधी है? जोकर को कैद हो गई। अभिरामी, दरवाजे पे गिरी और दोनों अचानक से मेरे ऊपर गिर गए। ये बात है। भाभी, आप अंदर नहा रही थी तो बाहर कैसे गिरी? शौक लगा। सुनिए जी। हाँ, शौक लग गया था हम दोनों को। तुम्हारा इसमें क्या कहना है नीला? स्विच बोर्ड तो 7 फुट ऊपर है, तो इनको शौक कैसे लगा? करेक्ट है। कैसे? अगर स्विच बोर्ड 7 फुट ऊपर है, इसकी हाइट 5 फुट 5 है, अगर 7 से माइनस करे तो 1.5।
डेढ़ ना। अभिरामी ने स्विच ऑन करने के लिए हाथ उठाया तो उसमें से एक फुट माइनस करो। ठीक है, कितना मिला? बचा आधा फुट। बैलेंस आधा फुट किसने भरा? बताओ किसने? पॉइंट है। जिस समय अभी गिरी उस समय आप कहाँ पर थे? बोलिए, जल्दी बोलिए। मुझे नहीं पता उस वक्त क्या वक्त हो रहा था। उस टाइम मैं केस पेपर पढ़ रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि जिस समय हादसा हुआ आप उस जगह पर नहीं थे। समय अभी दरवाजे पर गिरी, उस समय दरवाजा बाहर गिरा था। अगर वो बाहर गिरा था तो आपकी नाक पर पट्टी क्यों बंधी हुई है? सही कहा ना? इस केस का ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट करो। क्या नोट? मैं खुद वकील हूँ और मुझसे सवाल पूछ रहे हो? आप कोर्ट में बहस नहीं कर सकते। जैसे ही जज ऑर्डर ऑर्डर करता है आपकी पैंट गीली हो जाती है। कह रही हूँ ये दोनों कुछ ज़्यादा रूल गवाहों और सबूतों के आधार पर। अरे मेरी बात तो सुनो, जल्दी बोलिए। वो अभिरामी मदद के लिए पुकार रही थी तो मैं भागता हुआ आ रहा था, फिर मैं फिसल के गिर गया। अब आप मुझसे मत पूछो क्या क्या हुआ। बताओ अभी क्यों चिल्लाई? अबे तू क्यों चिल्ला रहा है? क्यों? चलो चलो सब सूप पी लो। टमाटर सूप। भैया एफएम रेडियो आ गई। पूरी दुनिया में साले एफएम रेडियो का टाइमिंग है लेकिन इस एफएम रेडियो का टाइमिंग नहीं है। ए भूलो मत ये मेरी माँ। अच्छा तुम आज ऑटो चलाने नहीं गया? वो क्या है, उसके ऑटो का हॉर्न नहीं बज रहा। आज तुम घुड़सवारी पे नहीं गए? उसके घोड़े की पूंछ कट गई है। हे आप लोग यहाँ पे क्यों आए हो? सब लोग आ जाओ, खाना तैयार है। आए हैं, जाके खाओ फिर। अरे मैं नहीं जीत पाया, तुम्हारा क्या है? क्या हुआ अभिरामी, उदास क्यों लग रही हो? उन्होंने अचानक मेरा ट्रांसफर कर दिया है इसलिए जरा परेशान हूँ। ट्रांसफर तो मेरा भी हुआ है ना, हम दोनों वहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। मुझे अपने पति से दूर रहना पड़ेगा ना। तो मैं भी तो पति से दूर रहूंगी ना। तुम्हारी कहानी अलग है और मेरी अलग। ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा ट्रांसफर तिंडुवन में हो गया, इतने दूर जाओगी काम करने? देखो मेरी बात सुनो बेटी, देखो हमें तुम्हारी पगार की कोई जरूरत नहीं है। हमारे लिए मेरे बेटे की खुशी मायने रखती है, तुम्हें हमेशा उसके साथ रहना चाहिए। तुम नौकरी छोड़ दो बेटी। ए बेटी, अगर तुमने कहा होता कि ट्रांसफर होने वाली है तो मैं तुम्हें कहती कि नौकरी छोड़ दो। जाओ बेटा नौकरी छोड़ दो, तुम्हें हमेशा अपने पति के साथ रहना चाहिए, यही हमारी इच्छा है। ए, तुम सपने देख रही हो क्या? ससुर जी। हाँ बेटी। मेरा तिंडीवन में ट्रांसफर हो गया है, कल से ही मुझे ड्यूटी ज्वाइन करनी है। अच्छा ऐसा क्या? एक बात बता, सरकारी नौकरी और ताश एक ही जैसे होते हैं ना? एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होता रहता है, तुम नौकरी मत छोड़ना, चलो जाओ। तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अगर पति अच्छा कमाता है तो औरत को नौकरी करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन तुम्हारे केस में तो उल्टा है। तुम्हारा पति रोज कोर्ट जाता है और खाली हाथ वापस आ जाता है। अगर तुम कमाओगी नहीं तो अपने बच्चों का ख्याल अच्छी तरह से कैसे रख पाओगी और कैसे बड़ा कर पाओगी उन्हें? तुम अंदर आओ, तुम्हें ट्रांसफर मिल गई, ये बहुत ही अच्छी बात है। आप भी उन्हीं के जैसे बात कर रहे हैं। अगर तुम वहाँ जाओगी ना तो बिना परेशानी के जिंदगी जी पाओगी। आप कुछ मत कहिए। अरे मैं कहाँ कुछ भी बोल रहा हूँ। वहाँ लॉज और नया बस स्टैंड बना रहे हैं। ओके। अरे बड़े मंत्री होंगे वहाँ। ये तो अच्छी बात है ना। मुझे अनाउंसमेंट करनी होगी। तो तुम करती रहती हो, हम कल सुबह जाएंगे। अगर मैं अभी निकली तभी फंक्शन में टाइम पे पहुँच पाऊंगी। ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। क्यों ना हम नई जिंदगी की शुरुआत कहीं और से करें। तुम्हें याद है ना मैंने कहा था कि हम नई जिंदगी की शुरुआत कहीं नई जगह से करेंगे, हम स्वागत यहीं मनाएंगे। अरे रे ट्रेन में? अभी हमें वहाँ पहुँचने में 4 घंटे लगेंगे और यहाँ का टीटी अपना दोस्त है, वो किसी को अलाउड नहीं करेगा हमें डिस्टर्ब करने के लिए। ये कैसे होगा? मैंने 4 सीटें बुक करा ली है सारी। Arma machi mo Hayo hayo adudan express ego Hamma hamma ilamik vandad vele Hayo hayo idupala nagadad seela Oh etti paarthidatha adiyadanu ingilla Innum kaathirukka ada enakku thevilla Sirthaalu
के नाचने गाने के चक्कर में मेरे फल खराब हो गए। ए, कौन हो तुम? मैं विदाउट टिकट हूँ, इसलिए टीटी से बचने के लिए यहाँ छुप गया। तुम्हारी जान ले लूंगा, निकलो यहाँ से। अगर मैं बाहर गया तो टीटी पकड़ लेगा। अरे जाना यार जाना। अगले स्टेशन पे उतर जाऊंगा। अगला स्टेशन कौन सा? टिंडी वन में। मैं तेरा सर तोड़ दूंगा। हमें चार सीट चाहिए क्या? गाना बहुत अच्छा था साहब। सर, हेलो सर। बोलिए सर। रूम चाहिए? सिंगल बेड चाहिए कि डबल बेड चाहिए? इन्हें तो एक डबल बेड दे दीजिए, अच्छा रहेगा। एड्रेस दीजिए सर। अरे छोड़ो ना, झूठा ही एड्रेस तो बताएंगे ये लोग, उन्हीं को लिखने बोल दो ना। लिखिए सर। ये आपकी कौन है? वाइफ? आपको कैसे पता? जो भी यहाँ आते हैं यही कहते हैं सर। ए, नॉनसेंस। क्या बोल रहा है? चल। सॉरी सर। ये लीजिए सर, लेफ्ट से राइट निकल जाइए।
உரச உரச மெதுவாக தானே உயிரும் உயிரும் உருகும். தழுவி தழுவி விளையாடத்தானே தனியும் தனியும் விரதம். जाइए देखिए ना कौन आया। आप हंस क्यों रहे हैं? मुझे लगा था कि आप आके दरवाजा खटखटाएंगे। बहुत सी फिल्मों में मैंने देखा है हमारे जैसे शादीशुदा जोड़ों को वेश्यावृत्ति जैसे केस में लटकाओगे, है ना? इसलिए इसकी तैयारी करके मैं बहुत पहले से ही आया हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ सब कुछ। ये है मेरी विवाह पत्रिका, ये मेरी पत्नी है और मैं इनका पति हूँ। आप खुद देख लीजिए। और सिर्फ यही नहीं, मैं पेशे से वकील भी हूँ। वकील हैं तो भी आपके रूम में बम तो फट ही जाएगा। क्या बोल रहे हैं सर, क्या फटेगा? बम सर आपके रूम में। बम क्या? कुछ आतंकवादी इस लॉज में रुके थे, हमें खबर मिली, उन्होंने यहाँ बम छुपा दिया। हमें सर्च करना पड़ेगा, वो कभी भी फट सकता है सर। चलो ढूंढो। चलो 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 चलो। अरे भागो भागो भागो। क्या हुआ? अरे मेरा सामान चल गया। अरे चलो चलो चलते ही चलो। पीछे पीछे आराम से यहाँ से। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सर आप चिंता मत करिए, मैं इनका अच्छे से ख्याल रखूंगी। तुम इसका ख्याल रखोगी? अरे आप चुप रहिए ना। कल्पना तुम रूम में जाओ, मैं इन्हें छोड़कर आती हूँ। बिना सिचुएशन समझ बोल रही है। अभिरामी मैं जाऊँ? आप ज्यादा परेशान मत होइए, सैटरडे संडे छुट्टी है तो मैं घर आ जाऊंगी। हम इतने दिन में कुछ नहीं कर पाए तो छुट्टियों पे क्या कर लेंगे। मेरे माधव मैं सैटरडे को घर आऊंगी ना, अब जाइए। तुम पक्का होगी ना? पक्का होगी ना? अब आप जाइए ना। चलो बाय। तुम उल्टे क्यों चल रहे हो? मेरी मर्जी, इधर आके बैठो ना। मैं राजा हूँ, आपकी तरह बैठ नहीं सकता। तो बस में हमारे साथ कैसे बैठेंगे? तुम्हारी गोद में बैठूंगा। बस करो, दिमाग खराब मत करो, बाहर में जाओ। मैं अब बताओ मेरी प्रजा तुम कैसी हो? घर में बारिश हो रही है? तुम रॉयल फैमिली से हो, यहाँ सड़क पर क्या कर रहे हो? मैं टहलने आया हूँ। कुछ भी। अच्छा वो तुम्हारी घुड़सवारी कहाँ गई? वो रजनीकांत को शूटिंग के लिए दिए मैसूर में। ए बकवास मत करो। क्या सब बात कर रहे हैं? तुम्हारा घोड़ा मर चुका है क्योंकि तुमने उसे अच्छे से खाना नहीं खिलाया। लोग मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, सुनो इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं। तुम मुझसे बात करो। क्या बताओ, कहाँ जाना है? मैं छोड़ देता हूँ, चलो बैठो। नहीं मेरी इज्जत कम हो जाएगी अगर बैठा तो। मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूँ, बैठो। मैं नहीं बैठ सकता। अगर मैं यहाँ खड़ा होता तो तुम मुझे लिफ्ट नहीं देते, तो बैठो ना। नहीं 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 मैं राजा हूँ, इससे मेरी शान पर बट्टा बैठ जाएगा। सुनो अपनी औकात के हिसाब से बात किया करो, चाय पीने के पैसे नहीं है, रॉयल फैमिली की बात करता है। चलो तुम अंदर कब बैठे? बहुत पहले। मैं जरा चेक करता हूँ पेट्रोल कितना है, ठीक है? इधर आओ। क्या है? कोयंबटूर का राजा आए तो कह देना कि मैं निकल गया। जा, मैं नहीं बता रहा। इंसल्ट, बहुत बड़ी इंसल्ट। मालिक आप तो राजा हैं, दो दिन से भूखा हूँ। ये तो एक राजा से भीख मांग रहा है, जरूर कुछ देना पड़ेगा। ठीक है ये लो, ऐश करो, जाओ जाओ। इसमें तो पैसे नहीं है। पैसे की कोई बात नहीं, तुम ले जाओ। जोग जोग जी। हाँ ठीक है, आइसक्रीम की गाली लग रही है तो हम चले। हाँ सीधे चलो, फिर लेफ्ट मोड़ लेना। गिर गया रे। ये पैर से सिग्नल क्यों दे रहा है? रुको 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 रुको। अब ये कहाँ से आ गया? बाहर निकलो। क्या चाहिए? लाइसेंस दिखाओ। रोज तो घूस लेते हो, लाइसेंस के बारे में क्या पूछ रहे हो? लाइसेंस दिखाते हो कि नहीं? मैं पागल नहीं हूँ जो ऑटो लाइसेंस के बिना चलाओ। लाइसेंस है कि नहीं? मेरे शर्ट में है। टैक्स के पेपर है क्या? शर्ट में है। ऑटो परमिट है क्या? शर्ट में है। शर्ट किधर है बता? क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, दूर हटो।
अरे भाई जरा शर्ट देना। कौन सी शर्ट? अरे वही शर्ट जो वहाँ लटकी हुई थी। वो तुम्हारी शर्ट थी क्या? हाँ। मुझे लगा ऑटो साफ करने का गंदा कपड़ा है, उसे तो मैंने भिखारी को दे दिया। किसको? भिखारी को। हे, तुम्हें पता है उसमें क्या रखा था? क्या रखा? लाइसेंस बुक, ऑटो परमिट, राशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड। अब मैं अगले इलेक्शन में वोट कैसे डालूंगा पता मुझे? हाँ? Oh, no. और तुमने उस भिखारी को दे दिया पागल कहीं के? इस बार नहीं चुकूंगा। तूने पुलिस वाले पर हाथ उठाया? तेरी ए! 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 मेरे भाई पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? ये ले, ये ले। तुम दोनों ने मुझे मारा ना, अब मैं क्या करता हूँ देखो। क्या ये वही है? एक पुलिस वाले ने वर्दी पहन के मारा और अब आप बिना वर्दी के हमें मार रहे हैं। आप कौन है? मैं पुलिस वालों को चाय और बिस्कुट देता हूँ। तो आप उनको फंडिंग करते हैं? वो लोग मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। अब तुम्हारी खैर नहीं है, नहीं। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जो भी आ रहा है बचाते जा रहा है। ए, चल बैठ, बैठ। इधर आ। ए, उन्होंने हमें इतना मारा, अब तुम क्यों मार रहे हो? बताता हूँ, मैं अच्छा खासा बस स्टैंड पे खड़ा था, तुमने मुझे ऑटो में बिठाया और अब इन अजनबियों से मुझे मार खिलवा रहे हो, इसलिए मारा। वो आ गया, ठीक नहीं, वो आ गया। भाई, मैं वकील माधवन हूँ, इनको जमानत पर रिहा करवाने आया हूँ। ए देखो, अरे बाप रे, सड़क पे लड़ा मत करो। हाँ, अपने अपने घर जाओ। जाओ, ये अपने अपने घर क्यों जाएंगे? तुम्हें क्या लगता है हमेशा यहीं रहे? चुप करो, इनको इतना मारा है पुलिस स्टेशन में, कितना दर्द हो रहा होगा। बेचारे दर्द के मारे कराह रहे हैं। हमारी बेटियां भी तो घर पे ही है ना। एक हफ्ते के लिए हमारे दामाद जी को घर पर ले चलते हैं। अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगी पिलाऊंगी, फिर इन लोगों को अपने घर जाने दूंगी। अरे माँ, आज शुक्रवार है, कल शनिवार है। अरे कल के बाद रविवार भी है तो क्या? तुम कोर्ट जाओ या घर जाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है दामाद का अच्छे से ख्याल रखना। जल्दी चलो, चलते चलो चलो चलो। अभी तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारे दामाद लोग तो घर चले गए, कल अभिरामी घर आने वाली है और तुम उसके साथ वक्त नहीं बिता पाओगे, यही सोच रहे हो ना? हाँ, हाँ। No problem. तुम यहाँ से सीधे डिंडीवन की बस पकड़ो और सीधे निकल जाओ, फिर शनिवार रविवार उसके साथ वक्त बिताओ। ए, 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 सुन, हाँ। सुन, तुम कहीं ना कहीं से आते और मुझे सुझाव देके चले आते, कौन हो तुम? बंजारा। बंजारा? ये बंजारा हो सकता है लेकिन इसके सुझाव अच्छे होते हैं। टिंडी बना। सर, ये बस टिंडीवन जा रही है? हाँ सर, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट सर्विस है, बीच में कहीं नहीं रुकेगी। चेन्नई। अभिरामी। ये क्या अभिरामी, कल तो शनिवार है, तुम आज ही जा रही हो? मैंने आज छुट्टी ली है तो। फ्राइडे सैटरडे संडे, तीन दिन, नहीं तीन रात। तुम भी ना। ठीक है तुम जाओ, मिलते हैं। चलती हूँ, बाय। चलो निकालो। இருக்கும் தனது சிறு கூட்டை நீங்கி இரண்டு கிளிகள் பிரிய பூங்காற்றை போலே என்ன நேர் நேரால் கண் சந்திக்காமல் வாடும் வாட்டம் என்ன இது காதல் அவஸ்தையோ அம்மம்மா தாங்காது ஆசைகள் தூங்காது அன்பிவா நீங்காது बस रुको, मेरी पत्नी उस बस में जा रही है, क्योंकि ये सिर्फ बस स्टॉप पे ही रुकती है, समझ गए? इधर आओ आओ आओ। अरे छोड़ो ना, मुझे वो सीरियल देखनी है। चलो आधी रात का मिर्च मसाला सुनाता हूँ। अरे समझती क्यों नहीं हो, पागल हो क्या? इस घर में एक ही बेडरूम है, क्या समझी? अगर हमने देर कर दी तो ऑटो वाला इस पे कब्जा कर लेगा। मैं राज परिवार से हूँ, नीचे कैसे सोऊंगा? बदबू नहीं आएगी?
समझ गई ना? आजा, आजा। बास कैसी है? तुम्हारे पिताजी साफ सफाई नहीं करवाते क्या? ऐसा लगता है कि एसी वगैरह मेंटेन नहीं किया हुआ है। कहाँ से आ रही है? अरे ये तो ऑटो ड्राइवर का कपड़ा लग रहा है। मुझे लगता है बदबू इसी में से आ रही है। नहीं नहीं, हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना, गंदा कपड़ा है। अगर छुओगी तो इन्फेक्शन हो सकता है, हो सकता है कि कॉलरा ही हो जाए। अब मैं इसे कहाँ डिस्पोज करूं? हट जाओ। ए, तुमने मेरा टॉवल क्यों फेंका? ये बताओ, गंदा टॉवल तुमने बेड पर क्यों रखा हुआ था? मैंने टॉवल आरक्षित करने के लिए रखा था। बेड आरक्षित करने के लिए? अपने बेडरूम को तुमने बस की खिड़की समझा हुआ है क्या? सीट पे रुमाल रखोगे तो वो तुम्हारी हो जाएगी। ब्लड ईट क्या? बस हो या ट्रेन हो, मैंने पहले ही कब्जा कर लिया है। अब ये बेड हमारा है, अब हम दोनों ही सोएंगे इस पे। कभी पलंग पे सोया है क्या? पैदा हुआ होगा तो चटाई पे ही पैदा हुआ होगा। तू मुझे नहीं जानता है क्या? मैं राज परिवार से हूँ। पैदा हुआ था सागवान के पलंग पर और उसी पर मरूंगा भी। तो तुम तुम्हारा सागवान का पलंग साथ लेके आते ना, तो यहाँ पर खाली हाथ क्यों आ गए? मैं यहाँ पर खाली हाथ आया था, लेकिन पसंद मैंने यहाँ का सागवान ही किया है। तो तुम्हें लगता है मेरी पत्नी साधारण है? ये भी सागवान की तरह है। सागवान नहीं, देखो जबान संभालो अपनी, नहीं तो रुको जरा, क्या दिख रहा है? अगल जैसी बातें कर रहा है। ये कह रहा है कि इसकी पत्नी सागवान और मेरी पत्नी नीम है। भगवान, मेरी दोनों बेटियां सागवान है, आखिर दिक्कत क्या है? खाट, अरे असली लकड़ी से बना है। अब ये क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हैं? देखिए ससुर जी, पहले बेड पर मैंने कब्जा किया था, अब ये बोलता है कि उस पर इसे सोना है। शर्म नहीं है क्या इसे? ओ, तो क्या एक खाट के लिए लड़ाई हो रही है? आप दोनों को खाट पर सोना है, ऐसा मुझे बोलो ना। अरे छोटी सी बात है। हाँ। देखिए आप दोनों अंदर खाट पे जाकर सो जाओ, और बेटियों तुम दोनों आ जाओ माँ के पास सोने के लिए। आ जाओ आ जाओ। हम दोनों बेड पे एक साथ सो के क्या करेंगे? क्या तुम्हारे पिताजी ने सच में चार बच्चों को जन्म दिया है? इनके दिमाग में भूसा भरा है क्या? नीला, तुम ना खाट पे जाके सो जाओ तुम्हारे रॉयल पति के साथ, हमें नहीं चाहिए वो खाट। ए मेरी प्यारी, मेरी प्यारी। ए माला, क्या हम इलाज चालू करें? कुछ तो बोलो ना मेरी प्यारी। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है जब मैं बात करता रहूं तुम सोया मत करो, समझ गए मेरी बात? मेरे प्यारे पति, मैं नहीं सोऊंगी, नहीं सोऊंगी, नहीं सोऊंगी। तो आवाज कोई तो बेल बजा रहा है, मुझे देखना चाहिए। अरे तुम्हारे पिताजी घूम रहे होंगे, वो सब छोड़ो, तुम आ जाओ। आओ। क्या बेटी, तुम इस वक्त इतनी रात को? मुझे कल निकलना है इसलिए आ जाई। अरे क्यों भाई, इतनी रात को क्यों आई? तुम कितनी बहादुर हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगा? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारे पति का क्या होता? वो तुमसे मिले टिंडी वनम गया है। टिंडी वनम? क्या तुम्हें नहीं पता है? ठीक है चलो तुम अंदर आओ, चलो अंदर आओ। दोनों लुका छुपी का खेल खेल रहे। तुम वहां कहां जा रही हो? अंदर नीला और दामाद जी हैं। वहां पर माला और दामाद जी है। तुमने खाना खाया क्या? मैंने रास्ते में खा लिया। तो वहां चटाई लगा के सो जाओ। तुम्हें मुझसे लड़का चाहिए या लड़की चाहिए है, बताओ? मुझे कुत्ते के बच्चे बहुत पसंद हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा, अभी तो ये भी नहीं हो पा रहा है। जाओ दरवाजा खोलो, जाओ। ये क्या है जी? क्या है? कॉल करके बताना चाहिए था। ये तुम भी तो कर सकती थी ना। वो तो क्या भाई, आपके अंदर मैनर्स है कि नहीं? आधी रात को एक राजा को डिस्टर्ब करने चले आए, कोर्ट समझा क्या? कोर्ट भी 5:30 बजे बंद हो जाता है, इतनी रात को कहाँ से आ रहे हैं? सेकंड शो देख के हमारा चालू नहीं हुआ अभी। प्लीज हवेली का केस जल्दी खत्म कीजिए। कौन है रे? अरे रे 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 रे, क्या कर रहे हो भैया? वक्त क्या हुआ पता नहीं है आपको? समझ में नहीं आता नए जोड़े घर में है डिस्टर्ब ना करें, और अब हमेशा रात में टुर टुर करके बेल बजाते रहते हो। अरे मेरा नाड़ा क्यों खींच रही हो, मैं इनसे बात कर रहा हूँ ना। जाओ भैया जाओ, इनको सारी बातें समझानी पड़ती है।
ए बेटा माधव, अगर तुम्हें पता था कि ये वहाँ से निकल गई है तो तुम्हें यहीं पर इसका इंतजार करना चाहिए था ना, और तुम सुबह आ जाते। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। दामाद जी को परेशान नहीं करना चाहिए, ठीक है? तुम अपने पापा के पास सो जाओ, तुम यहाँ सो जाओ। पिताजी, बत्ती बुझा दो ना, मुझे नींद नहीं आ रही। अभी से सोना है तुम्हें? आजा, राजा रात को इतनी जल्दी नहीं सोया करते। आजा, आना, आजा रानी, मुझे इतना परेशान मत कर। आना नीला, आजा, 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 आ, ए, ए, नीला, ए, माला, वो दोनों देखो ना कैसे हंस रहे हैं, तुमने सुना? हाँ, तो अब क्या है? अगर वो हंसेंगे तो हम भी हंसेंगे। मेरे पिताजी मेरे पूर्वज सबको हंसाते थे, अब मैं हंसूंगा और तुम मेरा साथ देना। आओ ना, क्यों इतना तरसा रही हो?
माधव जी, बत्ती बुझा दे, मुझे सोना है। वो छिपकली थी, मुझे सीटी की आवाज भी सुनाई दी थी। छिपकली ऐसे ही आवाज करती है? ऐसा क्या, तुम सोए नहीं अभी तक? नहीं पिताजी, आप सो जाइए, बहुत रात हो गई है, सो जा। पिताजी आप सो जाइए ना। मैं सो जाऊं क्या? अरे रे रे। तुझे जिधर रखना रख सकता है, सो जा बेटा। हाँ सो जा। अरे चादर कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है। अरे नहीं। पुष्पा तू अरे बाप रे, लगता है अंदर कोई है। हेलो हेलो, कौन है? मणि मारव स्पीकिंग। हे बाथरूम में कौन फोन पे बात कर रहा है? बाहर आओ। तुमने दरवाजा खटखटा के क्यों बोला? हैं, मैंने क्यों खटखटाया? मैं तुम्हारी तरह नाश्ता नहीं करूंगा। किसे पता, तुम भी वो कर सकते हो। हे जबान संभाल के बात करो, मैं इस घर का बड़ा दामाद हूँ, इसलिए पहला मान मुझे चाहिए। अरे बदमाश, यहाँ कोई कुंभ मेला लगा है या कोई तमाशा चल रहा है क्या, जहाँ किसी का आदर सत्कार किया जाए? हे अगर तू बाहर नहीं आया तो याद रखना। बस करो भाई, बस करो, बड़ी मुश्किल से तो रहने का ठिकाना मिला है, अब इसे भी खराब नहीं होने दूंगा। आ रहा हूँ, जल्दी आ बे। अरे आ रहा हूँ ना, बाहर आ रहा हूँ। छी, खड़े तो ऐसे हो जैसे बस में तुम्हें सीट नहीं मिली है। ए, जिस पे गुजरती है उसी को पता चलता है, समझे? पागल कहीं का, कितनी जोर से प्रेशर आया है। अभी रामी, तुम्हें पता है सुबह से मुझे एक कप कॉफी भी नहीं मिली है, उनके दामाद के आने के बाद से लोग मुझे घर में भूल ही गए हैं। सिर्फ आपको नहीं, मुझे भी भूल गए हैं। ए, अभिरामी, मेरे रहते तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? भाभी, आप कपड़े प्रेस कर रही हैं? वो खाना बना दिया, जाओ जाके सीखो अपने पति से कुछ। आप चुप नहीं बैठ सकते हैं क्या? तुम्हें क्या चाहिए बोलो। मेरे ये कपड़े प्रेस कर दोगी क्या? दे दो। थैंक यू। क्यों? अभिरामी तुम परेशान मत हो, आज शनिवार है और कल रविवार है, हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ कर लेंगे। कैसे कर सकते हैं इतने सारे लोगों के होते हुए? अगर ये लोग नहीं होते तो तुम रेडी हो? मुझे सबसे पहले इन दोनों दामादों को इस घर से भगाना होगा। एक आइडिया है मेरे पास, वेट एंड वॉच। पहले पानी की सप्लाई बंद करता हूँ। सुनिए जी, सुनते हैं? कहाँ है? पता नहीं कहाँ चले गए। क्यों जी है? आपने मुझे पानी गरम करने के लिए कहा था ना। बहुत गरम है। गरम क्या? है, उबल रहा है। हाथ मत डालना वरना हाथ जल जाएगा, और सादा पानी मिक्स कर लेना। हाँ, समझे? अब सुकून मिला, अब जाके मन शांत हो गया है। पानी रे पानी। अरे यार पानी खत्म हो गया क्या? हम बिना पानी के मर सकते हैं, कितना शर्मनाक होगा, धोने के लिए पानी नहीं है, नसीब ही खराब है। से ऑटो ड्राइवर इतना चिल्ला क्यों रहा है? हे भगवान, मर गया रे। क्या हुआ? वो घुड़सवारी वाले ने मुझे पहले ही रोका था, मुझे समझ जाना चाहिए था, लेकिन ये हो गया, अब मैं क्या करूं? ये आप क्या बड़बड़ा रहे हैं? आप तो सिर्फ टॉयलेट में गए थे, तो इतना बड़ा तमाशा क्यों? यहाँ और लोग नहीं रहते क्या? वो लोग बिना किसी आवाज के बाथरूम इस्तेमाल करते हैं, ये आपके साथ ही क्यों होता है? माला, ये पहले ही जल रहा है, और नमक मत छिड़को, समझी? क्या हो गया आपको तमाजी, क्या हो गया? ये पी लीजिए, ठीक हो जाएंगे। ए, तुम्हारी माँ मेरा मजाक उड़ा रही है, ये गाना गाने का टाइम है, गाने से मेरा दर्द और बढ़ रहा है। ये ले बेटी, तमाजी को जूस दे दे। पी लो। क्या मैं इसे पीऊँ? हाँ दामाजी, ये ठंडा है, आपकी जलन कम कर देगा।
जल रहा है कहाँ बता दो। आप अभी तक यहाँ हो, निकलो यहाँ से। इनको आराम की जरूरत है सोने। मुझे चिढ़ाने आई है, मुझसे बोल रही है जलन कम करेगा। अरे जिसकी जलती है उसे ही पता चलेगा ना। अरे बाप रे मेरा पिछवाड़ा। तुम क्यों हंस रहे हो? कितना मजा किया है। क्या मजा किया है? तुम यहाँ एग्जीबिशन में आए हो क्या? एग्जीबिशन नहीं, ये बहुत सुंदर सीन है। बड़े ढाट से बोला था ना कि इस घर के बड़े दामाद हो, सब लोगों को तुम्हारी इज्जत करनी चाहिए, और भगवान ने तुम्हें ये दिन दिखा दिया। तुमने तो इज्जत कमाने के चक्कर में अपना पिछवाड़ा जलवा लिया। ए, ए, एक ऑटो ड्राइवर सीट पे बैठे बिना ऑटो नहीं चला सकता, और अब तो तुम सीट पे बैठने के लायक बचे ही नहीं हो। अगर मैं चाहूँ तो थूक भी सकता हूँ। एक कॉकरोच अगर उल्टा हो जाता है तो वो कभी सीधा नहीं हो पाता। आज तुम्हारी कंडीशन भी बिल्कुल वैसी है, तुम भी उल्टे से सीधे नहीं हो पा रहे हो। तुम तो पलट भी नहीं सकते। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, अगर हिम्मत है तो मार के दिखाओ, अगर मर्द हो तो उठ के दिखाओ। अगर तुमने मुझे नहीं मारा तो मैं ये समझूंगा कि तुम एक मर्द नहीं हो और आमने सामने बात करने लायक भी नहीं। उससे क्या होगा? अरे उठ के दिखाना, तैयार हो? तो लगा के दिखा। अरे बाप रे! तुम आज एक ऐसे मर्द हो जिसने अपने पिछवाड़े पर अपनी पगड़ी बांधी हुई है। ओ, मेरी तो हंसी नहीं रुक रही है। लगता है जैसे किसी बच्चे ने डायपर पहन रखा हो। पूछ सकता हूँ ये तेल तुमने वहाँ पर क्यों डाला? पूछो। तुम्हें लगा कि मैं इस पर गिर जाऊंगा, यही इरादा था तुम्हारा? तुम हंस रहे थे, तुमने मेरा मजाक उड़ाया। उड़ाया तो इसीलिए, बदला लेने के लिए मैंने तेल गिराया, लेकिन तुम बच गए। क्या है, तुम मेरे भाई हो ना, इसलिए नजरअंदाज कर दो। मैं नजरअंदाज नहीं करूंगा, अभी तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। ये तो बहुत मामूली चीज है मेरे लिए। मेरे पिताजी के पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, सब सम्मानित किए गए, एक के बाद एक सबको सम्मानित किया गया है ब्रिटिश काल से आज तक, और मेरे अंदर भी उन्हीं का खून है, राज परिवार से हूँ। अब देखो ये राजा का खून क्या करता है। आज तुम्हें अपनी कला का नजारा दिखाऊंगा। ये तो अपनी कुशलता दिखाने वाला था, मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा था, पूर्वजों की तारीफ कर रहा था। अब देखो तुम्हारी हालत क्या हो गई। मैंने कितना समझाया था, अब देखो तुम्हारी पत्नी तुम्हें बच्चों जैसा खिला रही है। अब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी कि किसी का मजाक उड़ाना कितना महंगा पड़ सकता है। अरे बाप रे! मानो ना मानो मैं एक रॉयल फैमिली से हूँ, इसलिए तुम्हारी चुनौती स्वीकार कर दी और अब यहाँ पर पहुँच गया हूँ। भले ही मेरे मुँह पे चोट लगी हो, लेकिन तुम्हारी तरह बैग पे चोट नहीं पड़ने दी। ए, वो कुछ भी हो, तुम मुँह के बल गिरे और तुम्हें चोट लग गई। चोट तो छोटी मोटी है, एक हफ्ते में ठीक हो जाएगी। तुम्हारी अकल अभी भी ठिकाने नहीं आई है। रुको अभी ठिकाने लाता हूँ। नीला, अपने पति से कह दो कि मेरे पति से ठीक से बात करें। तुम अपने पति को बोलो मेरे पति से ज़बान संभाल के बात करें। मैंने इनको बाहर निकालने के लिए जाल बिछाया, लेकिन एक्सीडेंट हो गया और इधर ही रह गए। अरे माला, जलन मैं सह नहीं पा रहा हूँ, प्लीज पंखा जरा तेज कर दो। अब समझते क्यों नहीं है, पंखा तो पहले से तेज चल रहा है। हमारे पास ये एक्स्ट्रा पंखा है, फिर भी काफी नहीं है क्या? चाहिए साइकिल का टायर है जो आप हवा भर रही है। ए नीला, तुम्हारे पति को बोलो हंसना बंद करे। मेरा बंद ही नहीं हो रहा है, ये दो दो पंखे होने के बाद भी सहन नहीं कर पा रहा है जो दर्द उसे हो रहा है। सोचो अगर एक भी पंखा नहीं होता तो क्या होता। अरे रे, ये बिजली कैसे अचानक चली गई? क्या बिजली चली गई? हे भगवान, जलन और भी बढ़ जाएगी। इस पनौती ने जैसे ही बोला कि बिजली चली जाए, बिजली चली गई। माला कुछ तो करो। अरे जल्दी कुछ करो। कैसा पोज बना रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मछली की टोकरी हो और ये मच्छी बाजार में बैठा हो। जल्दी करो, जल्दी करो। अच्छा अच्छा, ऐसे करते। ये बेचारी इसके पिछवाड़े को हवा कर रही है, इससे अच्छा सिलवट्टे की सिल से इसे कूट दो। हे, चुप नहीं बैठ सकते, पागल कहीं के? कब से कुछ भी बोले जा रहे हो? सॉरी भाई। ये बिजली कब आएगी, कोई कॉल करके पूछ लो। ये चिंता मत कीजिए, बिजली दो दिनों के अंदर आ जाएगी। क्या, दो दिन के बाद आएगी? क्यों? ट्रांसफार्मर फूट गया। ट्रांसफार्मर फूट गया, मर गया। इसकी तो मैं आज जान ही ले लूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें मारने के लिए मेरा पिछवाड़ा ही मिला, वो कोई खेलने की चीज है? नहीं भैया, मैं अब यहाँ और नहीं रुक सकता। जल्दी से भाड़ी की गाड़ी बुलाओ
और मुझे अपने घर पे पार्सल कर दो। मैं अभी करता हूँ, अभी करता हूँ। विष्णु, एक मछली की गाड़ी और एक शव गाड़ी लेकर आओ जल्दी से। शव गाड़ी किस लिए? मछली की गाड़ी मेरे लिए, शव वाली गाड़ी तेरे लिए। वो क्या है बहनों जी, वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। ऐसा क्या? आपका शुक्रिया माला। चलो चलते हैं। दामाद को चोट बहुत लग गई है, कैसे सहन कर रहे होंगे गर्मी। रुको, जिससे मैं खाना खाऊंगा वो तुमने ले लिया ना? हाँ ठीक है। ये इससे खाना खाएगा तो मैं बाथरूम कैसे जाऊंगा? आप परेशान मत हो, मैंने ट्यूब ले ली है। अरे मेन स्विच किसने बंद कर दिया? दामाद जी को परेशानी हो रही होगी। दामाद जी, बिजली आ गई। बिजली आ गई, आ गई, मुझे यहाँ नहीं रहना। चलो चलो चलो, ये लोग यहाँ पर है तो हम क्यों जाए? जब तक आप ठीक नहीं हो जाते यही सो जाए। सर ये लीजिए। हाँ क्यों माधवन? सर पहले तुम शनिवार रविवार को भी काम करते थे, अब क्या हुआ? सर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? आपको इस पर जरा भी ध्यान नहीं आती? इसकी पत्नी शनिवार रविवार को ही यहाँ आती है। ये अपनी पत्नी के साथ रहेगा कि आपके साथ रहेगा? पूरे शहर को क्यों नहीं बताता? चुप कर। सर बात ये कि मुझे मत बताओ, मेरी शादी नहीं हुई है फिर भी मुझे सब कुछ पता है। अभिरामी को तुमसे बहुत सारे बच्चे चाहिए ना, तो तुम फाइल लेकर यहाँ क्यों घूम रहे हो? एंजॉय। साहब मैं जब से आपको जानता हूँ आज तक आपने एक भी काम की बात नहीं की। मैं तो बहुत जल्दी ठीक हो गया हूँ, बचपन का खाया पिया काम आ रहा है। चलो अच्छा हुआ कि कुप्पी से गिलास तक पहुँच गया। ए, मेरे कॉफी पीते समय ऐसे मुंह क्यों बना रही हो? तुम्हें उल्टी हो रही है क्या? ये साधारण वाली उल्टी नहीं है, ये वैसी वाली है। ना भी साधारण और स्पेशल होता है क्या? बताती हूँ। एक मिडिल क्लास में एक रॉयल फैमिली का बच्चा होने वाला है, एक राजा को उसका राजकुमार मिलने वाला है। मैं पिता बनने वाला हूँ। अरे सुन रहे हो, मैं पिता बनने वाला हूँ, मैं पिता बनने वाला हूँ, मैं पिता बनने वाला। रुक, रुक जाओ, तुम इतने खुश होके नाच क्यों रहे हो? नो टूटी हुई डिक्की वाले, हम दोनों की एक ही मंडप में एक ही दिन में शादी हुई थी। हाँ तो अब मैं बाप बनने वाला हूँ और तुम ये एक्सीडेंट करके बैठे हुए हो। मुझे नहीं लगता कि अब कभी तुम बाप बन पाओगे। ए, रुको मेरी पावर दिखाता हूँ। माला, माला सुनो, वो कौन है? कौन? वो तुम्हारी बहन। मेरी बहन? आपको पता है ना? वो तुम्हारी बहन है ना, वो तुमसे छोटी भी है, वो गर्भवती हो सकती है तो तुम क्यों नहीं हो सकती? सुनो मुझे कुछ नहीं पता कि तुम क्या करोगी, तुम्हें गर्भवती होना पड़ेगा, उल्टिया करो जल्दी। आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? चिल्ला क्यों रहे हैं? अगर कोई और सुन लेगा तो आधी रात को दरवाजा खटखटाएगा। ए, बात को मत घुमाओ। तुमने मुझे उल्लू बनाया दवाई के बारे में बता के और अभी बातें बना रही हो? सुनो तुम्हें उल्टी करनी होगी, मेरी इज्जत का सवाल है। आप पागलों जैसे क्यों बातें कर रहे हैं? मैं अचानक से उल्टी कैसे कर सकती हूँ? नहीं करूँगी। नहीं करोगी? नहीं। मैं अभी तुमसे उल्टी करवा सकता हूँ। मुंह खोलो, मुंह खोलो, उल्टी करो, करो उल्टी। मेरी पत्नी ने उल्टी की, मेरी पत्नी ने उल्टी की, मैं बाप बनने वाला हूँ। दामाद जी आप दोनों तो बहुत ही होशियार निकले, हमें नहीं पता था कि हम इतने जल्दी नाना नानी बन जाएंगे। लीजिए मिठाई खाइए। ये भी? अभी तो तुम्हारी पट्टिया भी नहीं उतरी, फिर कैसे? ये ऐसे। पुष्पा इन्हें भी मिठाई चाहिए, जरा लेकर के आओ ना जल्दी। मिठाई? मुबारक हो, मुबारक हो। आपकी बेटी का बेटा आपका वारिस कैसे हो सकता है, ये मेरी समझ में नहीं आया। तुम्हारे बेटे का बच्चा ही तुम्हारा वारिस होगा। क्या हमने उनकी शादी नहीं की? अभी तक तो उसे भी गर्भवती हो जाना चाहिए था। अब क्या बताऊँ, मेरे बेटे ने एक अनाथ लड़की से शादी की है, अब पता नहीं वो बच्चा दे पाएगी भी या नहीं। ए, ये क्या, तुम तो कल आने वाली थी ना, आज ही आ गई? इतनी जल्दी बोर हो गई? तुम इतनी शांत शांत क्यों, उदास भी लग रही हो? बचपन से मैं एक परिवार के लिए तड़पती रही, मेरी शादी ने मेरी सारी तमन्नाएं पूरी कर दी, लेकिन लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था। क्या कह रही हो तुम? मैं उनसे मिलने जाती हूँ क्योंकि मैं उनके करीब रह सकूं, लेकिन लेकिन वो मुझसे दूर होते जा रहे हैं, ये मैं सह नहीं पा रही हूँ। देखो रो मत, अनाथ रह के बड़ी हुई हूँ,
लगता है कि अनाथ ही मर जाऊंगी। योर ऑनर, कहा जाता है कि पति पत्नी का रिश्ता स्वर्ग से बनकर आता है, लेकिन एक शादीशुदा स्त्री जब ससुराल में जाती है तो उसकी बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, बहुत सारे अरमान होते हैं, लेकिन उसके वही अरमान ससुराल में चूर चूर हो जाते हैं, तब उसकी शादीशुदा जिंदगी नर्क बन जाती है और वो बहुत दुखी हो जाती है। योर ऑनर, कटघरे में खड़ी जो मेरी क्लाइंट है सुमति, इसकी शादी को 9 महीने हो गए और इन 9 महीनों में इसको क्या सुख मिला? इसको अपने रोगी ससुर की सेवा करनी पड़ी और सास की भी सेवा करनी पड़ी, जबकि इसके घर पर इसकी ननद और परिवार के दूसरे लोग वहीं पड़े रहते थे। पूरे 9 महीने तक मेरी क्लाइंट को उस घर में बहुत तकलीफें हुई। उनके बीच कोई समस्या नहीं थी, मेरे ख्याल से दोनों पति पत्नी खुश थे। मुझे लगता है कि यह ठीक नहीं है योर ऑनर। यह अदालत मेरी क्लाइंट की मनस्थिति को समझ सकती है, इसीलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ कि ये अपनी पत्नी को तलाक दे दें। मैं अदालत से यही दरख्वास्त करता हूँ। सर, एक पति पत्नी को अलग करने के लिए आप इतना क्यों लड़ रहे हैं? ये काला कोट इसीलिए पहना हुआ है, फीस भी मिल रही है, पेट तो भरना है ना। तुम्हें तनख्वाह नहीं देता क्या? तुम्हारी शादी भी हो गई है, अब जल्दी तुम्हारे बच्चे भी होंगे। सर, योर ऑनर, इस केस की पूरी जानकारी इस फाइल में है, इसे देख लें। मिस्टर शेखर, आप इस केस के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? मैं अपनी बीवी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, उसके बिना मेरी कोई जिंदगी नहीं है। योर ऑनर, डिवोर्स ग्रांट मत कीजिए, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्या आप अपनी तरफ से कोई वकील लेकर आए हैं? नहीं। जज साहब, ये केस मैं लड़ूंगा। मिस्टर माधवन, यू कैन प्रोसीड। योर ऑनर, इन्होंने तलाक के लिए इसलिए फाइल किया क्योंकि इन्हें शारीरिक सुख प्राप्त नहीं हुआ। शारीरिक सुख क्या है? ऐसी कहावत है कि सुख और दुख के साथ रहना बहुत बड़ी बात होती है। अगर शारीरिक सुख इतना महत्वपूर्ण है तो सारी शादियां 90 दिनों में ही खत्म हो जाएंगी। अगले 60 दिनों के बाद शारीरिक सुख अपने आप खत्म हो जाता है, तो लोग क्या 60 दिनों के बाद फिर से शादी कर ले? या फिर पता है 80 दिनों के बाद? प्यार और स्नेह ही हमें संतुष्टि देता है। शादी के बाद एक सैनिक बॉर्डर पे जाता है हमारी जान दुश्मनों से बचाने के लिए। अब अगर उनकी पत्नियां शारीरिक सुख के नाम पे तलाक देना शुरू कर दे तो हमारे देश का क्या होगा? अगर कस्तूरबाई गांधी शारीरिक सुख के लिए रोई होती तो जज साहब, यहां पे कोई गोरा बैठा होता और वहां पे महात्मा गांधी की फोटो नहीं होती। क्या तुम्हें पता है पति शादी के वक्त उस धागे को 3 गांठ क्यों बांधता है? ये समझाने के लिए कि उसकी जिंदगी में गांठ और कठिनाइयां हैं। उसकी नई नई शादी हुई है इसलिए उसने अपने माँ बाप को रास्ते पर नहीं छोड़ा, उनका अपमान नहीं किया, लेकिन वो अपनी पत्नी से प्यार करता और तलाक देना नहीं चाहता। और यही पहचान होती है एक असली मर्द की। अच्छा सुमति, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें ऐसा पति मिला है। एक जीवन में सब कुछ शामिल है और सबके लिए जीने में ही संतुष्टि है। अगर हम सब लोग मतलबी बनके जीते रहे तो हम कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। हमारे वकील साहब का परिवार नहीं है इसलिए वो कभी भी रिश्तों की गहराइयों को नहीं समझ पाएंगे योर ऑनर। मेरे काबिल दोस्त माधवन अकेले नहीं है, इनका बहुत बड़ा परिवार है, बहुत सारे रिश्ते हैं और घर में सब लोग एक साथ रहते हैं। अगर उनकी वजह से इनके वैवाहिक जीवन में कोई तकलीफ आ रही है तो क्या ये ऐसी बात करेंगे? हमने अभी तक एक दूसरे को नहीं छुआ है सर, इसलिए मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ सर। बहनों की शादी और उनके घर की प्रॉब्लम्स, मेरी गुस्से वाली माँ और गैर जिम्मेदार पिताजी और उनके बीच ढेर सारी कठिनाइयां। मैं और मेरी पत्नी ने तो अभी ठीक से बात भी नहीं की है सर। तो क्या वो मुझसे भागती रही और मैं उससे नफरत करने लगा? हम लोग तो बस इसी उम्मीद में जी रहे हैं कि कभी ना कभी तो कुछ ऐसा होगा जब सब ठीक हो जाएगा सर, नई रोशनी की किरण दिखेगी। पता है मेरे परिवार वालों ने मुझे कितनी बार कोसा है,
बार बार अपमान किया है। वो बहुत दिक्कतों से गुजर रही है लेकिन कभी भी मुझसे शिकायत नहीं की। वो खुद ही सब कुछ सहती जा रही है और खुद को संभालती जा रही है। सर, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि अभिरामी जैसी पत्नी मुझे मिली जीवन में। वो मेरे बिना नहीं जी सकती है सर। सर, इसलिए चाहता हूँ इन दोनों को अलग मत कीजिए, प्लीज अलग मत कीजिए सर। मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तलाक नहीं चाहिए, मुझे इनके साथ जीना है। मैं इस केस को खारिज करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। पहली बार तुमने केस जीता है और वो भी अपने गुरु के खिलाफ। मुझे तुम पर गर्व है लेकिन तुमने इस बीच में एक पॉइंट गलत बोला, वो ये कि मैं अकेला हूँ। सॉरी सर। कोई बात नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी एक बेटी है, उसका नाम है अभिरामी और मैं उसके लिए अपना कर्तव्य पूरा करूंगा। ए, कैसे बैठे हो यार, सीधे बैठो। रुमाल घर पर है? कौन है ये? इतने गुस्से में क्यों आ रहे हो? माधवन से कोई गलती हो गई क्या? माधवन ने कोई गलती नहीं की है, गलती तुम लोगों ने की है। 24 घंटे पत्ते खेलते रहते हो। चलो निकलो यहाँ से, मुझे कुछ बात करनी है। चलो चलो, कुछ जरूरी बात। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम यहीं पर बैठो। तुम लोग जाओ, मुझसे बात करो। देखिए बहन जी, मैं आज माधवन का गुरु बनकर नहीं आया हूँ, अभिरामी के बाप के नाते आया हूँ। एक लड़की की शादी होती है तो वो ससुराल में आते ही मन में बहुत सारे अरमान लेकर आती है। मैं अपनी बेटी अभिरामी के लिए न्याय मांगने आया हूँ। तो फिर आप यहाँ क्यों आ गए? तो आप कोर्ट में क्यों नहीं गए? मेरे पैरों में चप्पल है, दोनों के लिए एक एक। मैं जा सकता हूँ? तुम्हारे लिए बेल्ट है, इधर आओ। ये क्या, 24 घंटे आवारा की तरह हाथ में ताश के पत्ते लेकर घूमते रहते हो? घर में नई बहू आई है, उसके बारे में सोचा? हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बहुत खुश है। तुमको तो बहुत खुशी हो रही है लेकिन अभिरामी को खुश नहीं होना चाहिए, माधवन को खुश नहीं होना चाहिए। क्यों बहन जी, शादी होने के बाद भी तुम अपनी बेटियों को अपने घर पर बुलाकर रखती हो, उनको बुला बुला कर पूछती हो कैसा चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा है ना? वैसे ही तुम्हारे घर में जो बहू आई है ना, वो भी किसी की बेटी है। सिर्फ हालात पर गाना गाने से कुछ नहीं होगा, परिवार का ध्यान रखना पड़ता है। तुम्हारी शादी इसके साथ कैसे हुई है पता है? पवित्र धागा। चुप रह, चल भाग, भाग यहाँ से। तुम यहाँ आओ। आपने मेरी पत्नी को इसके बाजू में क्यों खड़ा किया? अभिरामी मदद नहीं करती तो तुम्हारी जोड़ी नहीं बनती। क्या? तुम्हारी शादी के लिए जो गहने थे वो चोरी हो गए थे पता है? अभिरामी ने तुम्हारी शादी करने के लिए अपने बाप के जमा किए हुए पैसे दिए हैं। अभिरामी का इतना बड़ा त्याग देखकर माधवन ने उसके साथ शादी की। तुम लोगों को लगता है कि वो दोनों बहुत ही खुश हैं लेकिन ऐसी बात नहीं है। तुम दोनों की शादी होने के बाद तुम दोनों सुहागरात मना लोगी, उसके बाद वो दोनों सुहागरात मनाएंगे, अभिरामी ने तय किया। ये लोग तो अपने पति के साथ खुश हैं लेकिन वो दोनों अभी भी दुखी हैं क्योंकि तुमने उन दोनों को कभी एक नहीं होने दिया। कैसा परिवार है ये? देखो माधवन, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। एक इंसान को परिवार के लिए त्याग करना चाहिए लेकिन ऐसे मतलबी लोगों के लिए त्याग करने वाला बेवकूफ कहा जाता है। एक औरत के लिए ननद, सासू माँ, ससुर जी सदा के लिए नहीं रहते हैं लेकिन उसका पति हमेशा उसके साथ रहता है, ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो। भाई हमें माफ कर दो। हेलो, होल्ड कीजिए, अभिरामी तुम्हारा फोन है। हेलो हेलो, ससुर जी बोलिए ना। हेलो बोलने से तुमने पहचान लिया? बस हमने गलती कर दी तुम्हें पहचानने में और तुमने सबको आसानी से सबको पहचान लिया।
बस हम ही तुम्हें ठीक से नहीं पहचान पाए। अभिरामी, तुम अपने पति से बहुत दिन दूर रही हो, तुम अपनी नौकरी छोड़ दो बेटी, नौकरी छोड़ के घर आ जाओ। अभिरामी, मैंने सासू माँ का दर्जा खो दिया है बेटा। मैं पुष्पा बात कर रही हूँ। सासू माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मुझे मेरी गलती सुधारने का मौका दो बेटा, वहाँ से जल्दी से निकल कर यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ मेरी बहू। माँ, मुझे फोन दो। हेलो, मैं माला का पति बोल रहा हूँ। भैया। बहन, तुम मुझे भैया मत बोलो, मैं भैया कहलाने के लायक नहीं हूँ। हमें गलत मत समझना, तुम जल्दी घर आ जाओ बहना। बहन, मैं मणिमारम बात कर रहा हूँ। भैया, राजा प्रजा से माफी नहीं मांग सकता, तुम यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हारे पैर छूऊंगा, राजा को माफ कर दो। तुम माधवन से बात करो, आ जाओ भाई, आ जाओ। अभिरामी, अभी बोलिए जी, सबको तुम्हारी जरूरत है, जल्दी आ जाओ। सासू माँ, ससुर जी, भैया सबसे बात की, सब चाहते हैं मैं नौकरी छोड़ के घर आ जाऊं, वो मुझे समझ गए, अब मैं अनाथ नहीं हूँ, मैं अनाथ नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं अनाथ, नहीं हूँ। ए ड्राइवर, ये क्या कर रहे हो? मैं बस देख रहा हूँ बेड माधवन का वजन झेल पाएगा क्या। इसके लिए तुम अकेले काफी नहीं हो, मैं भी करूंगा तुम्हारे साथ, आ जाओ। आंटी, मुझे दे दीजिए। ये यहाँ किसका पोस्टर लगा रहा है बे? हृदय से भावभीनी श्रद्धांजलि। आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कितने दिनों बाद शुभ कार्य होने जा रहा है और तुम ये क्या समझकर ये यहाँ पर लगा रहे हो? सुनो, अभी जिस हालत में है, अगर इस हालत में इसके पोस्टर लगाओगे तो ऐसा लगेगा कि ये कोई मरा हुआ आदमी है। शादी के पोस्टर, जन्मदिन के पोस्टर, मरने के पोस्टर, लड़की बड़ी हुई तो उसके भी पोस्टर, पोस्टर लगा लगा के तुमने देश को बर्बाद करके रख दिया, कैसे आदमी हो? क्या तुमने ये देखा? पुली कुट्टी पेरिया स्वामी बुलेट पांडी मंडे करप्पन ओटा कुनुमारी। तिरछी आंखें एक बीमारी होती है, इतना भी नहीं पता है क्या? और तुम उसे ऐसे लिख रहे हो जैसे कि यूनिवर्सिटी का कोई सर्टिफिकेट हो। हैं? ए, तुम इस पागल से क्यों बात कर रहे हो? सीधे पोस्टर फाड़ो। अबे मैं तो फाड़ूंगा। तुम्हें क्या हुआ? मैं बात कर रहा हूँ तो तुम इसे मार क्यों रहे हो? तुम क्या कहना चाहते हो? तुम अकेले से नहीं मारोगे। ओ, अभी समझा। मैं भी मारूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे मारने की? मैं अभी अपने आदमियों को बुलवाऊंगा। आओ भाई, देखो वो दोनों हैं। देखो वो हिम्मत कैसी हुई पोस्टर लगाने की? तुम फाड़ो। मैं डरता नहीं हूँ, रुको अभी फाड़ता हूँ। तूने ये पोस्टर क्यों फाड़ा? अरे बोलना, अब चुप क्यों हो गया है? बोल। अरे शांत हो जाओ, मैं बताता हूँ क्या हुआ, बात तो करने दो। तूने क्यों मारा इसको? एक मिनट, ये यहाँ पोस्टर लगा रहा था तो मैंने इसे मना किया क्योंकि हमारे घर में शुभ कार्य होने वाला है, तो ये मुझे बिना सोचे समझे मारने लगा। पूछो इससे।
बोलना। नहीं, मैं तो एक नादान सा मासूम सा आदमी हूँ, यहाँ पर एक फोन करने के लिए आया था, और सच कह रहा हूँ कि इस आदमी ने पहले इन्हें नहीं मारा, इन्हीं ने पहले इसको मारा है। हाँ, अब मैं कुछ नहीं, और मारो इसे, ये झूठ बोलता है। मुझे तो जाने दो, मारो मारो, मुझे बोल रही हूँ। क्या हुआ बेटी? अभिरामी जिस बस से जा रही थी उसका एक्सीडेंट हो गया। मधु, अभिरामी के बस का एक्सीडेंट हो गया। भैया आप चिंता मत कीजिए। अरे कोई तो ढूंढो उसे। क्या चल रहा है? वहाँ ढूंढते हैं। देखो ससुमा, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग वहाँ ढूंढते हैं। चलो वाला आ जाओ। भैया आपको दिखी कहाँ? कहीं दिखी? भैया भैया मेरी बात सुनो। भैया अरे पता नहीं कहाँ है अभिरामी। भैया अभिरामी कहाँ है? शांत हो जाओ। चलो ले, चलो देखो ना क्यों हम लोग नहीं ढूंढते अभिरामी। आप चलिए लो ऊपर, डालो ऊपर, लेकर आओ ऊपर, लेकर आओ। सब बात हो गई है, सब चल रहा है ठीक है। पीछे हो जाइए, ओके सर, पीछे हो जाइए, जाने दो, शांत रहिए। मैं देखता हूँ। अरे शांत रहिए मैडम, शांत रहिए आप। ऐसे कैसे?
इस बैग को कोई पहचानता है? दीजिए, हमारे है, दीजिए। ये तो अभिरामी का पर्स है। क्या कहा? पिताजी। अरे देखो, ये तो अभिरामी का पर्स है। देखिए। माधव। माधव। भैया। माधव, ये देखो, अभिरामी का पर्स। माधव, ये अभिरामी का पर्स है। माधव। बेटा, ये सब क्या हो गया? सुनिए जी। वहाँ देखो दामाची, उधर भैया, भैया अभिरामी आ गई। मेरा बच्चा, आपका शुक्रिया, आपने मेरे बच्चे की जान बचा ली। अभी तो तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? अभी बचा लिया उसे। भाई, इंतजार मत करो, जो कुछ भी करना है सब कुछ यहीं पर कर डालो, पीछे कोई नहीं देखेगा। अब कोई परेशानी नहीं होगी, जब तक तुम नहीं कहते बस कहीं नहीं रुकेगी। हाँ बहनों जी, माँ पिताजी किधर है? वो दोनों गाड़ी की छत पर हैं। बेटी, ए बहुरानी, हमें अच्छा सा पोता या पोती देना।